गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। तो आज शुरू कर रहे हैं दो सीए फाइनल का अपना बैच फाइनेंशियल रिपोर्टिंग का, और आज ये पहला लेक्चर है। तो इस पहले लेक्चर में हमें दो तीन बातों को ध्यान रखना है। पहले तो हम ये समझेंगे कि हमारा कोर्स कंटेंट क्या है और उसको कवर करने की हमारी स्ट्रेटजी क्या है, ये हो गया पॉइंट नंबर वन। दूसरा, इसके अंदर हम आज के लेक्चर में एक चैप्टर भी आपको कवर अप कराएंगे जिसका नाम है इंट्रोडक्शन टू इंडेस, जो इंस्टीट्यूट ने सबसे पहला चैप्टर इनकॉर्पोरेट किया है, और फिर उसके क्वेश्चंस भी करेंगे। तो सबसे पहले तो मैं आपको ये समझा देता हूं कि हमारा कोर्स कंटेंट क्या है और उसको करने की हमारी स्ट्रेटजी क्या रहेगी, मतलब हमें कौन कौन से मटीरियल क्लास के साथ रेफर करने पड़ेंगे, हमारा कितना ड्यूरेशन लगेगा क्लास को कवर करने में, हम किस तरीके के क्वेश्चंस कवर कर रहे हैं, इन सारी चीजों की जानकारी पहले दे देंगे, फिर इंट्रोडक्शन टू इंडेस पे चलेंगे। तो पहले बार इस लेक्चर का तीन हिस्सा हो गया, एक हो गया स्ट्रेटजी, एक हो गया इंट्रोडक्शन टू इंडेस का कॉन्सेप्ट, और दूसरा हो गया इंट्रोडक्शन टू इंडेस के क्वेश्चन। तो इसके पहले पार्ट पे चलते हैं, पार्ट ए। और जो भी चीज मैं नोट करूंगा साथ साथ आप भी नोट करते रहेंगे। पार्ट ए, कोर्स कंटेंट एंड स्ट्रेटजी, कोर्स कंटेंट एंड स्ट्रेटजी। आप इसको लेक्चर जीरो भी कह सकते हैं क्योंकि इसमें मैं सिर्फ कोर्स कंटेंट की बात करने वाला हूं और किस तरीके से पढ़ेंगे। तो अब यहां पे सबसे पहला जो पॉइंट है वो पॉइंट ये है कि हमारे कोर्स में है क्या। कोर्स में होने से पहले हम मेथड ऑफ एग्जामिनेशन असेसमेंट देखते हैं, क्योंकि हमारा मेन जो टारगेट है वो टारगेट है एग्जामिनेशन को फाइट करना, एग्जामिनेशन को क्रैक करना। तो आखिर इंस्टीट्यूट ने क्या पैटर्न सेट किया है, जो अभी नया कोर्स इंप्लीमेंट हुआ उसमें पेपर पैटर्न का वो देखिए, जो असेसमेंट है यानी जो एग्जामिनेशन पैटर्न है, एग्जाम के जो पैटर्न है वो दो हिस्से में बटे हुए हैं। 70-30 असेसमेंट है। 70-30 असेसमेंट का मतलब 70% आपसे प्रैक्टिकल पूछे जाएंगे और 30% एमसीक्यूज, मतलब एमसीक्यूज हर चीज को लिखेंगे साथ साथ आप, एमसीक्यूज और प्रैक्टिकल। जो एमसीक्यूज है दोस्त वो 30 मार्क्स है, 30 मार्क्स, और जो प्रैक्टिकल है वो है 70 मार्क्स। जो आपका 30 मार्क्स का एमसीक्यूज है वो आपको ओएमआर सीट पे देना पड़ेगा, यानी उसमें सिर्फ आपको ये बताना है कि कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। वैसे एक क्वेश्चन दो नंबर का रहता है, मतलब 15 क्वेश्चन आपको करने पड़ेंगे जिसके लिए 30 मार्क्स मिलेंगे। और जो एग्जामिनेशन का ट्रेंड है वो ट्रेंड ये बता रहा है कि एमसीक्यूज भी दो तरीके के होते हैं, एक केस स्टडी बेस्ड, एक केस सिनेरियो बेस्ड और एक इंडिविजुअल। तो एक केस बेस्ड एमसीक्यूज हो गया, केस बेस्ड एमसीक्यूज। ये हो गया केस बेस्ड एमसीक्यूज और एक है इंडिविजुअल, मतलब जो एक एमसीक्यूज स्टैंड अलोन खड़ा है और उसका आपको बताना है आंसर। नॉर्मली दो केस सिनेरियो रहते हैं और दो केस सिनेरियो का अगर सम टोटल करें तो 24 मार्क्स केस सिनेरियो में ही चला जाता है, मतलब एक बड़ा सा कोई केस देगा और उसके ऊपर 6 क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे, 6 × 2 = 12 नंबर, और फिर दूसरे केस स्टडी में भी 6 × 2 = 12 नंबर, तो 24 नंबर ये हो गए। और 6 नंबर के जो क्वेश्चन होते हैं वो इंडिविजुअल इंडिविजुअल रहते हैं। नॉर्मली ये ट्रेंड है, ये थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो सकता है, इसमें कोई ऐसी बात नहीं है, बट ओवरऑल 30 मार्क्स एमसीक्यूज है और एमसीक्यूज मेनली बेस्ड ऑन आपके पास में जो बड़े क्वेश्चन होते हैं उसी को एमसीक्यूज में वो कन्वर्ट करते हैं। तो एक हो गया आपके पास केस बेस्ड एमसीक्यूज और एक हो गया इंडिविजुअल एमसीक्यूज। केस बेस्ड एमसीक्यूज में नॉर्मली दो रहते हैं, केस वन और केस टू, ये जनरल है, थोड़ा बहुत एग्जाम में ऊपर नीचे बदल जाए तो कोई दिक्कत की बात नहीं, बट मेन ट्रेंड यही है। और यहां पे आपको 6 मतलब 6 मार्क्स का रहेगा, तो 3 या 4 आपको मेनली क्वेश्चन आपको देखने को मिल सकता है। तो इंडिविजुअल क्वेश्चन
ये इंडिविजुअल क्वेश्चंस 3 to 4 हो सकते हैं, कभी 5 भी हो जाए, क्योंकि ऐसा कोई फिक्स रूल नहीं है। हम एग्जामिनेशन और एमटीपी को देख करके एनालाइज करें कि एक सेट ट्रेंड दिख रहा है। जहां तक एमसीक्यूज की बात है, तो एमसीक्यूज मेनली आप अगर कोर्स कंटेंट को बहुत अच्छे से करते हैं तो एमसीक्यूज आराम से हैंडल कर लेंगे, एमसीक्यूज हैंडल करने में कोई दिक्कत नहीं है। फिर भी मैंने एमसीक्यूज की एक सेपरेट बुक बनाई है, उस सेपरेट बुक के अंदर हमारे पास 300-400 इंडिविजुअल एमसीक्यूज हैं सेल्फ असेसमेंट के लिए, और 42 हमने केस स्टडी बेस्ड एमसीक्यूज रखा है। जितने भी केस स्टडी बेस्ड एमसीक्यूज है सब हम क्लास के साथ कवर करके चलेंगे, मतलब जब हमारा क्लास एंड होगा तो सारे केस स्टडी बेस्ड एमसीक्यूज आपको करवाए जाएंगे विद इन क्लास। वो इसलिए करवाए जाते हैं क्योंकि एक केस स्टडी में कई सारे स्टैंडर्ड मिक्सअप होते हैं, तो उसको स्टैंडर्ड वाइज कराना डिफिकल्ट होता है, और जो इंडिविजुअल केस स्टडी है हम उसको ऐसे ही रेफर करते हैं। जो प्रैक्टिकल क्वेश्चन है, प्रैक्टिकल क्वेश्चन में आपके नॉर्मली एक क्वेश्चन डिवाइडेड होते 14 मार्क्स के, यानी 14-14 नंबर के 6 क्वेश्चन रहेंगे, जिसमें से 5 आपको करने पड़ेंगे, एक च्वाइस रहता है, और पहला क्वेश्चन सब्जेक्टिव का भी कंपलसरी रहता है। तो अब एग्जामिनेशन का जो ट्रेंड है वो 30 और 14, यानी टोटल मिलाकर के आपके 44 मार्क्स के क्वेश्चन कंपलसरी हो गए हैं, क्योंकि सारे एमसीक्यूज कंपलसरी होते हैं और सब्जेक्टिव का भी पहला पार्ट कंपलसरी होता है। तो टोटल 44 मार्क्स आपका कंपलसरी हो गया, और बाकी के जो 56 मार्क्स बचे उसमें आपके पास एक च्वाइस होते हैं। ये एग्जामिनेशन का ट्रेंड है। यहां जो क्वेश्चन आता है वो आएगा आपके पास में 6 क्वेश्चंस ऑफ 14 मार्क्स ईच, जिसमें से आपको कवर करके चलना है, कवर 5 out of 6, एक आप छोड़ सकते हैं, लेकिन फर्स्ट इसमें कंपलसरी होता है। इसमें ऐसा भी हो सकता है कि एक ही क्वेश्चन 14 मार्क्स के हो सकते हैं, जैसे कंसोलिडेशन वगैरह का आया तो, और ऐसा भी हो सकता है कि क्वेश्चन के सब पार्ट्स हो सकते हैं, किसी में 2, किसी में 3, किसी में 4 भी ऐसे सब पार्ट्स हो सकते हैं। तो ये आपके एग्जामिनेशन का ट्रेंड आ गया। अब चलते हैं एग्जामिनेशन के ट्रेंड के बाद कि हमारे पास कोर्स में क्या है। अगर आप कोर्स को देखोगे, जो इंस्टीट्यूट ने कोर्स डिजाइन किया है, तो कोर्स बहुत ही सिंपल है और क्लियर है। कोर्स में है क्या, कोर्स कंटेंट में आपके पास में 35 इंडेस दे रखे हैं और 3 चैप्टर इसके अलावे हैं। 35 इंडेस टोटल मिलाकर के इंडिया में अभी इफेक्टिवली 39 इंडेस सरकार ने नोटिफाई कर रखा है, जिसमें से कोर्स में 35 इंडेस एप्लीकेबल है। कुछ इंडेस को इंस्टीट्यूट ने कोर्स से हटा रखा है, जिसका अभी बहुत ब्रॉड तरीके से इंडस्ट्री में एप्लीकेशन नहीं हो रहा, जिसमें सबसे पहला स्टैंडर्ड है इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट का, जिसके ऊपर नया स्टैंडर्ड जब आगे रिलीज होगा तो वो अप्लाई होगा, इसलिए उसके एंट्री में स्टैंडर्ड फिलहाल कोर्स के कंटेंट के पार्ट नहीं है। इंडेस 104 इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट का, इसके अलावा एक्सप्लोरेशन का इंडेस 106 कोर्स से हटाया हुआ है, रेगुलेटरी डेफरल का इंडेस 114 हटाया हुआ है, और हाइपर इन्फ्लेशन का 29, यानी ये 4 इंडेस हैं जो सरकार ने नोटिफाई कर रखा है बट आपके कोर्स में नहीं है। इसके अलावे 35 इंडेस 0 से लेकर लास्ट तक सब आपके कोर्स में है। मैंने 0 से लास्ट इसलिए बोला क्योंकि इंटरमीडिएट में इंडेस कोर्स का हिस्सा है नहीं, तो यहीं पर आपको 0 से स्टार्ट करना है इंडेस और यहीं एक्सपर्टीज लेवल पर पहुंचना है। 35 इंडेस आपके कोर्स में एप्लीकेबल है, 35 इंडेस, और 3 अदर टॉपिक्स। जो 3 अदर टॉपिक्स हैं भी, उसमें भी एक टॉपिक्स तो इंडेस के ही हैं। चैप्टर का नाम है एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, जिसमें बड़े सारे क्वेश्चंस, बड़े सारे स्टैंडर्ड को मिक्स करके क्वेश्चन पूछ दिए जाते हैं, तो चैप्टर इंस्टीट्यूट ने अलग नाम रखा है तो मैंने अलग दे दिया। इसके अलावा एक प्रोफेशनल और एथिकल ड्यूटी ऑफ चार्टर अकाउंटेंट है, एक तरीके से प्रोफेशनल एथिक्स है, और एक है टेक्नोलॉजी इन अकाउंटिंग। आजकल बहुत सारी टेक्नोलॉजी आ गई, चैट जीपीटी से लेकर के गूगल के जेमिनी, गूगल बार्ड जिसको कहते थे, अब उन्होंने जेमिनी नाम रख दिया है। तो इस तरीके से कई सारे जो हमारे पास में एआई के मॉडल डेवलप हो रहे हैं, उसका हम किस तरीके से यूज कर सकते हैं टेक्नोलॉजी में, ये भी आपके कोर्स का हिस्सा है। तो ये 3 टॉपिक्स हैं, बहुत ही सिंपल है। 3 टॉपिक्स करने में आपको मुश्किल से हार्डली 2-3 क्लास लगेगा, उससे ज्यादा का ये टॉपिक है नहीं। तो मेन जो कोर एरिया है आपका वो इंडेस है, और अगर आप बात करें इंडेस की डेप्थ कितनी है,
तो यहां पे आपको समझना बेहद जरूरी है, मतलब आपको जो पढ़ना है वो जीरो से लेके स्टार्टिंग से लेकर के एंड तक पढ़ना है, स्टार्टिंग टू एंड। और सी इंस्टीट्यूट ने जो स्टडी मटेरियल बनाए हैं उसमें जीरो से लेकर के लास्ट तक की सारी चीजें उन्होंने दे रखी हैं। तो स्टार्टिंग टू एंड करना है आपको और इन डेप्थ स्टडी करनी है, इन डेप्थ स्टडी। क्योंकि ये पेपर प्रैक्टिकल है, आपको लगेगा पढ़ते समय थ्योरी है, क्योंकि आप इंडेक्स के थ्योरी थ्योरी पढ़ते रहेंगे, जैसे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के पढ़ते थे बहुत सारे थ्योरीज, बट जो क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं नॉर्मली केस बेस्ड या प्रैक्टिकल होता है। तो एग्जाम के अंदर थ्योरी बहुत ज्यादा डिक्टेट करने की आवश्यकता नहीं होती, क्योंकि एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन होते हैं, तो क्वेश्चन की प्रैक्टिस आपको करनी ही पड़ेगी, क्योंकि एग्जाम मेनली क्वेश्चन ओरिएंटेड होता है। अगर आप ऑडिट करके टिक करके सोच रहे हैं कि एग्जामिनेशन पास करना है तो वो बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा, आपको सफिशियंट क्वेश्चन की लिख के प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, सफिशियंट प्रैक्टिस। सफिशियंट प्रैक्टिस रिक्वायर्ड। तो ये तो हो गया दोस्त कोर्स कंटेंट, ये जो इंस्टीट्यूट ने दिया। अब हम क्लास में क्या करके चलने वाले हैं, हमारे पास क्लास कराने की हमारी स्ट्रेटजी क्या है, कितना ड्यूरेशन लगेगा, क्या क्या मैं आपको प्रोवाइड करूंगा और किन किन चीजों की जरूरत है, तो स्ट्रेटजी क्या है। स्ट्रेटजी में है दोस्त, सबसे पहले मैं आपको जो नंबर ऑफ बुक्स देने वाला हूं वो 5 है टोटल मिलाकर के। एक है एमसीक्यूज का, जिसमें सिर्फ एमसीक्यूज लगे हुए इंडिविजुअल और केस स्टडी बेस्ड। दूसरा हमारे पास है वो है अपने पास में टेक्स्ट बुक। टेक्स्ट बुक में मैंने क्या किया है, जितने भी इंडेस हैं सारे के टेक्स्ट को अरेंज किया है, और जो एग्जाम्पल्स इंस्टीट्यूट ने लिए हैं उसको समझाने के लिए वो सारे एग्जाम्पल उसमें इनकॉर्पोरेटेड है। और वो एग्जाम्पल उसको मैं आपको क्लास में समझाता चलूंगा, वो एग्जाम्पल एज फॉर द पर्पस ऑफ एग्जामिनेशन बहुत ज्यादा रेलेवेंट नहीं होते, इसलिए हम उसे क्वेश्चन बैंक का पार्ट इस बार नहीं बना रहे, ताकि वो अननेसेसरी आपके ऊपर लोड क्रिएट ना करे। बट एट द सेम टाइम इन डेप्थ एनालिसिस के लिए उन सारे एग्जाम्पल्स और सारे टेक्स्ट को पढ़ना जरूरी है। तो मैं टेक्स्ट के 2 वॉल्यूम आपको दे रहा हूं, वो 2 वॉल्यूम टेक्स्ट के इसलिए दे रहा हूं ताकि वॉल्यूम अगर थोड़ा कंट्रोल्ड रहेगा तो उसको पलटने में आसान होता है, अगर एक ही बना देंगे तो बहुत ठीक हो जाएगा और फिर उसको पलटना मुश्किल हो जाता है, इसलिए 2 आपको टेक्स्ट बुक के वॉल्यूम मिलेंगे, 2 वॉल्यूम ऑफ टेक्स्ट बुक। विद एग्जाम्पल और इन टेक्स्ट बुक्स को मैं क्लास कराते समय आपको पूरा रेफरेंस दे दूंगा और पढ़ा भी दूंगा और उसके एग्जाम्पल भी समझा दूंगा। तो इन टेक्स्ट बुक्स को आपको दोबारा पढ़ने की आवश्यकता नहीं रहेगी, मतलब ये क्लास के साथ एक बार पढ़ना है ताकि आपकी नॉलेज ऑथेंटिक हो जाए और कवरेज आपकी कंप्रेहेंसिव हो जाए, इस वजह से मैंने आपको 2 वॉल्यूम ऑफ टेक्स्ट बुक दिए हैं। हां, अगर क्लास के साथ एक बार आप रीडिंग लगा लेते हैं तो आपकी नॉलेज और बढ़ जाएगी, क्लास के बाद फिर उसे फॉर द पर्पस ऑफ एग्जामिनेशन करने की आवश्यकता नहीं। और 2 वॉल्यूम मैं दे रहा हूं आपको, 2 वॉल्यूम ऑफ क्वेश्चन बैंक, क्वेश्चन बैंक के 2 वॉल्यूम। हम इसको एक में भी कन्वर्ट कर सकते थे, एक में भी रख सकते थे, बट उसकी थिकनेस बढ़ जाती है, तो मैंने देखा प्रैक्टिकली थोड़ी डिफिकल्टी होती है, इसलिए इसको 2 वॉल्यूम में कर दिया। इसमें सारे क्वेश्चंस लगे हुए हैं जितने भी स्टडी मटेरियल में हैं, जितने पास्ट एग्जामिनेशन में आए हैं, आज तक जितने क्वेश्चन आए वो सारे डले हुए हैं, न्यू कोर्स के हिसाब से जो एटीपी एमटीपी आए वो भी डले हुए हैं, उसके अलावा आज तक की जितनी चीजें हैं सब इसमें इंक्लूडेड हैं, आपको अलग से कुछ करने की आवश्यकता नहीं है। और जहां पे जरूरत पड़ा है कॉन्सेप्ट की क्लेरिटी के लिए वहां पे हमने अलग तरीके के भी क्वेश्चंस डाले हैं। कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट में पिछले 2 बार से लगातार क्वेश्चन थोड़े दूसरे तरीके के आ रहे हैं, यानी पहले जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड में बड़े क्वेश्चन आते थे कंसोलिडेशन के, उसको रिवाइज करके यानी मॉडिफाई कर करके वो इंडेक्स में डाल रहे हैं, तो उस तरीके के भी कुछ क्वेश्चन हम कवर कर रहे हैं ताकि हम एग्जामिनेशन के लिए आपको बेटर प्रिपरेशन करवा सकें। और एक है आपके पास में 1 वॉल्यूम ऑफ, एक बुक है 1 बुक फॉर एमसीक्यूज।
एक बुक हमारे पास एमसीक्यूज का है, तो टोटल मिलाकर के ये पांच किताबें हैं। बट जो एग्जाम है, एग्जाम के लिए आपके पास में ये टू वॉल्यूम ऑफ टेक्स्ट बुक है जो है वो आपके लिए ज्यादा रिलेवेंट रहेगा, वो एग्जाम के टाइम तक आपका काम करेगा। तो ये हो गई हमारे पास बुक की स्ट्रेटजी। अब आप बोलेंगे कि सर आपको क्लास खत्म करना में कितना समय लगेगा? मेरा टारगेट है, टारगेट जो लेक्चर्स हैं वो हैं 80 to 85, और एवरेज अगर कर दे तो हर लेक्चर एवरेज ड्यूरेशन हर लेक्चर का 3 आवर्स है। मैंने अलग से लेक्चर के बीच में कहीं ब्रेक नहीं लिखा है, लेकिन आपको जब लेक्चर्स में अगर कभी जैसे आप गूगल ड्राइव क्लास देख रहे हैं, अगर आप लाइव और फेस टू फेस कर रहे हैं सामने, तब तो कोई दिक्कत की बात नहीं। अगर आप गूगल ड्राइव देख रहे हैं तो अगर आपको बीच में ब्रेक ले रहा हूं तो अपने आप 2-4 मिनट का ब्रेक कहीं भी पॉज करके ले सकते हैं, बाकी आप लगातार चल सकते हैं। तो हमारे पास 80 to 85 लेक्चर्स है, एवरेज ड्यूरेशन 3 आवर्स है। आप बोलेंगे सर क्या इतने में ये सारी चीजें कवर्ड हो जाएगी? हो जाएगी, क्योंकि ये वाला जो लेक्चर मैं रिकॉर्ड कर रहा हूं अभी, वो लेक्चर मैं ऑलमोस्ट 40% सिलेबस कंप्लीट होने के बाद रिकॉर्ड कर रहा हूं। तो जो मेरा टारगेट था पर लेक्चर ड्यूरेशन लगाने का, उसी ड्यूरेशन में हमने क्लास कंप्लीट की है, कंप्लीट करने की कोशिश कर रहे हैं। तो आप 80 to 85 लेक्चर्स, यानी आप 240 से लेकर के 255 घंटे, यानी आप ये मान के चलो 240 से 250 घंटे के बीच में हम इस कोर्स को कंप्लीट करने वाले हैं। कंप्लीट यानी जीरो से लेकर लास्ट तक क्वेश्चन बैंक के सारे क्वेश्चन क्लास में डिस्कस और सॉल्व किए जा रहे हैं। तो आपको अपने आप कुछ भी करने की आवश्यकता है नहीं। याद रखें कि आप अपना एक नॉर्मल डिसिप्लिन बनाएं कि आपको हर दिन एक क्लास करनी है। अगर आप डेली एक एक क्लास करेंगे और आप अगर डिसिप्लिन वे में पढ़ेंगे तो आपकी क्लास 90 डेज यानी 3 मंथ्स के अंदर कंप्लीट हो सकती है, प्रोवाइडेड कि आप सेल्फ डिसिप्लिन मेंटेन करें। उसके बाद आ जाता है रिवीजन के लिए। रिवीजन के लिए क्या है? रिवीजन के लिए आपको एक तो जो यहां पे कराया जाएगा साथ साथ आपको उसका रिवीजन करना है, और फाइनल रिवीजन के लिए मैं अलग से चीजें प्रोवाइड करूंगा जिसके बेसिस पे आप फाइनल रिवीजन यानी एग्जाम टाइम रिवीजन में आपको डिफिकल्टी नहीं होगी। तो उसके लिए भी चिंता करने की बात नहीं है। अभी सिर्फ आपको सारे क्वेश्चन जो मैं क्लास में करूंगा उन सारे क्वेश्चन को सॉल्व करना है, और अगर आपके पास समय मिले तो आपको एक बार जाके उन क्वेश्चन को दोबारा चेक कर लेना ताकि आपकी मजबूती और ज्यादा बेटर हो पाए। अब तीसरी बात है, क्या मैं कॉन्सेप्ट के लिए आपको हैंड रिटन डोज दे रहा हूं? नहीं, मैं कॉन्सेप्ट के लिए कोई हैंड रिटन नोट्स नहीं दे रहा। वो सारी चीजें मैं आपको क्लास में ही डिक्टेट कराऊंगा, क्योंकि मेरा मानना है कि जो चीज आप पढ़ते हैं उसको अगर खुद से लिखते हैं तो उसकी जो मेमोरी कैपेसिटी है, उसको जो रिटेंशन कैपेसिटी है वो ज्यादा बढ़ती है। हां, अगर मैं हैंड रिटन दे देता तो मैं 20-25 घंटे बचा जरूर सकता था, बट मुझे लगता नहीं कि 20-25 घंटे, अगर मैं 225 घंटे की क्लास ले लूं या 245 घंटे की क्लास ले लूं, उससे बहुत ज्यादा मुझे लगता है कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो हम सारी चीजें क्लास में लिखेंगे, जो बुक्स मैंने आपको बता दी वो बुक्स आपको मिलेगी। तो ये था दोस्त, हम किस तरीके से अपना लेक्चर तैयार कर रहे हैं, अपना बुक, अपने जो पेपर है वो तैयार कर रहे हैं, उसका एक बेसिक इंट्रोडक्शन था। इसको आप जीरो लेक्चर भी मान सकते हैं, मतलब यहां तक हमने कोर्स कंटेंट की कोई बात शुरू नहीं की है। और इन सारी चीजों को समझाने के बाद अब मैं शुरू कर रहा हूं कोर्स कंटेंट। एक चीज और भी बता दूं कि जो लेक्चर्स मैं बना रहा हूं उस लेक्चर्स के अंदर जो कॉन्सेप्ट के लेक्चर्स हैं उसको अलग कर रखे हैं, और जो क्वेश्चन के लेक्चर्स हैं उसको अलग किए। बस ये वाला जो पहला चैप्टर है इसमें क्वेश्चन का लेक्चर आपको साथ मिलेगा, इसी लेक्चर के अंदर इंक्लूडेड होगा। वो भी इसलिए क्योंकि ये जो पहला चैप्टर है वो छोटा है, उसका ड्यूरेशन एवरेज 3 घंटे करने के लिए अगर हम क्वेश्चन जोड़ भी देंगे तब भी 3 घंटे में पूरा कंप्लीट हो जाएगा। तो फर्स्ट लेक्चर का जो क्वेश्चन है वो साथ में अटैच्ड है, बाकी जितने भी स्टैंडर्ड्स हैं जिसको भी हम पढ़ेंगे सबके कॉन्सेप्ट के लेक्चर अलग है और क्वेश्चन के लेक्चर अलग है। आप बोलेंगे इसका क्या बेनिफिट मिलेगा? इसका एक और भी बेनिफिट है कि पहली बार आपने पूरा कॉन्सेप्ट पढ़ लिया तो आपको सारी चीजें समझ आ गई। अगर दोबारा आप कभी क्वेश्चन प्रैक्टिस कर रहे हैं और आप उसी में फंसते हैं तो आप सीधा क्वेश्चन लेक्चर भी रेफर करके काम चला सकते हैं, इससे आपको ज्यादा फायदा होगा और रिवीजन भी आपका फास्ट हो जाएगा। तो अब कोर्स की तैयारी कैसे करें उसके बारे में इनफ जानकारी मैंने दे दी है, हमारा स्ट्रेटजी क्या रहने वाला है, आपको क्या करना है और मुझे क्या करना है, इस सब की जानकारी हो गई। तो अब हम सीधा चलते हैं कोर्स इंट्रोडक्शन पे।
कोर्स इंट्रोडक्शन खत्म हो गया, इंट्रोडक्शन टू इंडेस पे। तो अब ये दूसरा पार्ट है इसका। इंट्रोडक्शन टू इंडेस ये पार्ट बी है। इंट्रोडक्शन टू इंडेस है पार्ट बी में। अब देखिए, जो मैं टेक्स्ट बुक की बात कर रहा था वो टेक्स्ट बुक इस तरीके से बनी है। जैसे यहां पे देखेंगे, मैं अर्लियर हिस्ट्री वगैरह सब दे के रखा हूं, अभी मैं सारी चीजें बताऊंगा, तो इसमें प्रॉपरली सारी चीजें एक्सप्लेन्ड है। मैं चाहता तो इस चीज को हैंडरिटन में भी लिख सकता था, अननेसेसरी चीजें कॉम्प्लेक्स होंगी और उतना डिटेल हो भी नहीं पाएगा, इसलिए बुक के फॉर्म में यहां मैं रेफर कराता जाऊंगा, लिखवाऊंगा आपको क्लास में उतना ही जितना एग्जाम के लिए जरूरी है, बाकी हम एक बार पढ़ के सब कुछ चलने वाले। तो चलिए चलते हैं अब इंट्रोडक्शन टू इंडेस। इंडेस को इंट्रोड्यूस करें दोस्त, उससे पहले हमें यह समझना पड़ेगा कि इंडेस आखिर है क्या, और क्या इंडेस इंडिया में बना है, और अगर इंडेस इंडिया में नहीं बना तो यह कहां बना और कैसे कैसे बना, उसकी कहानी आपको समझनी पड़ेगी। इंडिया में इंडेस के जो एप्लीकेशन की पहली डेट है वो 1 अप्रैल 2015, वो आगे आएगा इंट्रोडक्शन टू इंडेस में, आगे इंडेस एप्लीकेबिलिटी रूल में, वहां मैं आपको बताऊंगा। बट इससे पहले इंडिया में इंडेस बना नहीं है, पहली बात तो ये समझ लीजिए। इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड IFRS की कॉपी, मतलब ये IFRS से निकला हुआ है, इंडिया में इसका कुछ भी नहीं। और IFRS बनाए इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड ने। अभी आप आगे समझ पाएंगे कि आखिर IFRS को हम इंडेस में कन्वर्ट कैसे करते हैं और उसका प्रोसीजरल पार्ट क्या है। बट जो इसका ओरिजिनेशन का बेस है, मतलब जहां से ये निकला है, उसका नाम है IFRS। और IFRS बनाता है, IFRS नाम की एक संस्था है, IFRS बोर्ड, जिसका हेडक्वार्टर लंदन में है, वो इसको बनाता है। आखिर IFRS कैसे बना, अकाउंट कैसे बना, इस सब के बारे में मैं 5 मिनट में आपको ब्रीफ कर देता हूं, ताकि आपको सारी जानकारी पता लग जाए कि कैसे कैसे ये स्टैंडर्ड्स बने। देखिए, अकाउंट कहां आता है? अकाउंट का सिंपल मतलब है लेखा जोखा करना, जिसको आप टेक्निकली डेबिट क्रेडिट कहते हैं, पुराने समय में उसको लेखा जोखा कहते थे। कभी भी कोई भी ट्रांजेक्शन करेंगे तो रिकॉर्ड तो रखना ही पड़ेगा, क्योंकि रिकॉर्ड आप रखेंगे तभी आप उसको अच्छे से मैनेज कर पाएंगे, फ्यूचर में उसका रेफरेंस ले पाएंगे। तो आज से नहीं, हजारों साल पहले से, यानी जब से कल्चर और सिविलाइजेशन का डेवलपमेंट हुआ, तब से अकाउंट किसी न किसी फॉर्म में एग्जिस्ट करता था। पुराने जमाने में समाज की व्यवस्थाओं को चलाने के लिए आज की तरह किताबें मॉडर्न नहीं होती थी कि यह कानून की किताब है, यह आपके पास में अकाउंट की किताब है, यह फाइनेंशियल मैनेजमेंट की किताब है, इस तरीके की किताबें नहीं होती थी। हर चीज को, समाज को चलाने का एक ही रास्ता था। मैं बहुत पुरानी बात कर रहा हूं, 5000-10000 साल पहले समाज को चलाने के रास्ते होते थे सिर्फ जो धर्म के ग्रंथ होते हैं वो, जैसे हिंदू धर्म के ग्रंथ है वेद, तो वेद के अंदर बहुत सारी चीजें लिखी थी जिससे अकाउंट की व्यवस्थाएं बनाई जा सकती थी। ईसाइयों में धर्म ग्रंथ चलता है बाइबल, तो वहां पे भी बहुत सारी चीजें लिखी थी जिसके अंदर व्यवस्थाएं बनाई जा सकती थी, व्यवस्थाएं बनाई जा सकती थी। उसके अलावे हमारे पास में जो इस्लाम है उसको चलाने के लिए है कुरान, तो कुरान के अंदर भी बहुत सारी पुरानी व्यवस्थाएं लिखी गई थी। तो पुराने जमाने में जो भी व्यवस्थाएं चलती थी वो धर्म ग्रंथों के हिसाब से चलती थी। लेकिन ओवर द पीरियड धीरे धीरे क्या हुआ, डेवलपमेंट बढ़ने लगा, पॉपुलेशन बढ़ने लगी, लोगों की नीड बढ़ने लगी, लोगों की आवश्यकताएं बढ़ने लगी। और जब लोगों की आवश्यकताएं बढ़ने लगी तो लोगों की आवश्यकताएं बढ़ने के साथ साथ शुरू हो गया अकाउंट की कॉम्प्लेक्सिटीज। और अकाउंट जैसे जैसे कॉम्प्लेक्स होने लगा, वैसे वैसे उस अरेंजमेंट मांगने लगा। नॉर्मली क्या होता है, आप घर के अंदर भी अकाउंट रखते हैं, हिसाब रखते हैं, तुम्हें इतना देना है, उसको इतना देना है, उसको इतना देना है, लिख के नहीं रखते। लेकिन लिख के तभी तक नहीं रखते जब तक ट्रांजेक्शन थोड़े बहुत हो, उसका कोई आगे चल के रेफरेंस ना देना हो। बट जब ट्रांजेक्शन बहुत सारे हो जाते हैं, आगे चल के उसका रेफरेंस देना होता है, तो आपको घर के अंदर भी खाते मेंटेन करने पड़ते हैं, लिख के रखना पड़ता है कहां से कितना आया, कहां कितना गया। जब सोसाइटी के अंदर नीड बढ़ने लगा, बिजनेस की कॉम्प्लेक्सिटीज बढ़ने लगी, तो कॉम्प्लेक्सिटीज के बढ़ने के साथ साथ
अकाउंट की मॉडर्नाइजेशन भी शुरू हुई, और अकाउंट के मॉडर्नाइजेशन का जो फेज था वो है 1400 का पूरा समय। अगर आप कभी हिस्ट्री पढ़ेंगे तो 1450 से लेकर के और 1494 तक डेबिट और क्रेडिट के जितने भी नियम है, यानी मॉडर्न अकाउंटेंसी की जितनी भी थ्योरी है उसको लिखा गया। और मॉडर्न अकाउंटेंसी की थ्योरी लिखने वाले पहले थे बेंडेटो, उसके बाद में लुका पेसियोली, अलग अलग लोगों ने डेबिट और क्रेडिट की एंट्रीज लिखी। यहां से मॉडर्न अकाउंटेंसी या फिर डेबिट क्रेडिट का ओरिजिनेशन हो गया। जब मॉडर्न अकाउंटेंसी और डेबिट क्रेडिट का ओरिजिनेशन हो गया, उसके बाद धीरे धीरे करके बिजनेस की कॉम्प्लेक्सिटीज और बढ़ने लगी, और मेन जो अकाउंटिंग में बदलाव आए हैं जिसकी वजह से हम लिटरेचर पढ़ रहे हैं आज इंडियस की, वो बदलाव आने के कारण थे यूएस का बिजनेस के अंदर इन्वॉल्वमेंट होना, और मेनली 1800 सेंचुरी का टाइम। 1769 से लेकर के 1789 तक यूनाइटेड स्टेट्स के अंदर इंडिपेंडेंट, फ्रीडम फाइट और वहां पे डेमोक्रेसी के एस्टेब्लिशमेंट की कहानी स्टार्ट हुई। और जब यूनाइटेड स्टेट्स के अंदर डेमोक्रेसी एस्टेब्लिश हो गई, उसके बाद यूनाइटेड स्टेट्स ने बिजनेस के प्लान बनाए, और सारी दुनिया के अंदर आप जानते हैं सबसे ज्यादा बिजनेस अगर किसी का फैला तो वो कौन था? यूनाइटेड स्टेट्स। मेरी बात समझ आ रही है? अब क्या हुआ, यूनाइटेड स्टेट्स के बिजनेस फैलने के साथ साथ हर जगह आपके बिजनेस तो बड़े बड़े होने लग गए। उसके बाद फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुआ, उसके बाद यूनाइटेड स्टेट्स जीतने के बाद और भी ज्यादा ताकतवर बन गया। तो बिजनेस बढ़ने के साथ साथ बिजनेस के जो अकाउंटिंग होने चाहिए उसके जो लैंग्वेज थे उतने कोडिफाई हो नहीं पाए। रूल्स के बेसिस पे हमने बहुत जगह अकाउंट को रेगुलेट करने की कोशिश की, बहुत लंबे समय तक वो चला नहीं, और 1929 में हो गया सबसे बड़ा ट्रेड डाउनफॉल। सबसे बड़ा ट्रेड डाउनफॉल हुआ 1929 में, जिसको हम आज तक का सबसे बड़ा आर्थिक मंदी कहते हैं। क्योंकि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद लोगों को लग रहा था कि अब दुनिया के अंदर जो परेशानी हुई है उसका इंपैक्ट दिखेगा, बट उसके एडवर्स स्टॉक मार्केट बहुत बूम किया, बट 1929 में जाके पूरा का पूरा स्टॉक मार्केट क्रैश कर गया। और वो ऐसा क्रैश हुआ कि अगर आप कभी भी हिस्ट्री पढ़ेंगे स्टॉक मार्केट की, तो सबसे पहला और आज तक का सबसे बड़ा क्रैश 1929 का ही बताएगा। उसके बाद बहुत सारी कंपनियों को भी डिफिकल्टी आई। यूनाइटेड स्टेट्स के गवर्नमेंट ने सोचा कि अगर सारी दुनिया में बिजनेस चलानी है और बिजनेस को रेगुलेट करना है तो आपको एक ना एक कोडिफाइड स्टैंडर्ड लाना पड़ेगा। इसके लिए यूनाइटेड स्टेट्स ने अलग अलग बोर्ड बनाए, फाइनेंशियल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड, अकाउंटिंग प्रैक्टिस बुलेटिन, अमेरिकन इंस्टीट्यूट ऑफ सर्टिफाइड पब्लिक अकाउंटेंट, अमेरिकन सिक्योरिटी एक्सचेंज कमीशन, सबने अकाउंट के लिटरेचर को कोडिफाई करने के लिए अलग अलग समय पर अलग अलग चीजें बनाई। बट सारी दुनिया में आप लिटरेचर को कोडिफाई कर देंगे, उस कोडिफिकेशन के लिए सारी दुनिया का इन्वॉल्वमेंट होना जरूरी है। इसलिए बाद में चल के यूरोप के सारे देश, अमेरिका और दुनिया के और भी देश ने मिलकर के एक कमेटी बनाई, जिस कमेटी का नाम था इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड कमेटी। क्या नाम था? इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड कमेटी। इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड कमेटी को 1973 में सेटअप किया गया, और इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड कमेटी ने बनाना शुरू कर दिया इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स। ये इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 1973 से 2000 तक 27 साल में 41 इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बनाए, जिसकी नंबरिंग शुरू हुई आईएएस 1 से और खत्म हो गई आईएएस 41 पे। 2000 में क्या हुआ, ईयर 2000 और उसके आसपास अमेरिका के अंदर एक बड़ी कंपनी थी एनरॉन, जिसका लिक्विडेशन हो गया, और अमेरिकन एनरॉन कंपनी के लिक्विडेशन के बाद एक बार फिर से ऐसा लगने लगा कि जो एक्सटेंडर है उसके अंदर और भी ज्यादा कोडिफिकेशन की आवश्यकता है। इवन दो कि उस समय तक यूएस गैप काफी पॉपुलर हो गया था, लेकिन उसके बाद भी एनरॉन जैसी बड़ी कंपनी के बैंकरप्सी का एडवांस में पता नहीं लग पाया, और एडवांस जो इन्वेस्टर्स थे उनके सारे पैसे डूब गए। उसके बाद यह हुआ कि जो इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बनाए गए हैं या जो दुनिया में इंप्लीमेंट किए जा रहे हैं, उन इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स में और सुधार की आवश्यकता है। किसकी जरूरत है? और सुधार की जरूरत है। जब इसकी बात स्टार्ट हुई तो इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड कमेटी को रिस्ट्रक्चर कर दिया गया, और जो बोर्ड था उसका नाम रख दिया गया इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड। इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड जब बना तो उसने डेवलपमेंट शुरू करने शुरू किए आईएफआरएस, और तब यह डिसाइड हुआ कि जो पास्ट के 27 साल में 41 इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स बने हैं
उन इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स को हम एज इट इज अडॉप्ट कर रहे हैं, मतलब उसको भी आईएफआरएस आज के डेट में मान रहे हैं, और अब जो नए सीरीज शुरू होंगे वो आईएफआरएस के सीरीज शुरू होंगे। तो 2001 से लेकर के जो पहला आईएफआरएस 2003 में आया, तब से लेकर के आईएफआरएस के सीरीज में स्टैंडर्ड आने लग गया। दो बातें और भी डिसाइड हुई कि अगर पुराने किसी इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड में मेजर बदलाव आएगा तो उस स्टैंडर्ड को डिलीट करके नए आईएफआरएस के सीरीज में स्टैंडर्ड इशू किया जाएगा। जैसे इसका लेटेस्ट एग्जाम्पल है इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 17 जो लीज पे था, उसको डिलीट करके आईएफआरएस 16 लीज का बनाया गया। और वो इसलिए किया गया क्योंकि लेसी की पूरी अकाउंटिंग जो इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 17 में थी उसको खत्म करके नई अकाउंटिंग लाई गई। मेजर मॉडिफिकेशन हुआ स्टैंडर्ड में, इसलिए उसके नंबर डिलीट करके आईएफआरएस के सीरीज में नंबर डाल दिया गया। माइनर कोई मॉडिफिकेशन अगर होता है तो आईएएस के अंदर ही मॉडिफिकेशन करके काम चल जाता है। मेरी बात समझ आ रही है? ये सारी कहानी आपके कोर्स कंटेंट में दिया था, यह समझना जरूरी था। लिखने के लिए हम सिर्फ उन्हीं बात को लिखेंगे जो हमारे लिए काम का है, और जो लिखने वाली बात है वो इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड से ही स्टार्ट होती है। बात समझ आई? बेस बनाने के लिए मैंने कुछ बातें लिख जरूर दी है जो मैंने आपको शॉर्ट में बोल दिया है। आपके पास समय मिले तो आप जरूर पढ़ लेंगे। अर्लियर हिस्ट्री में वेदों के अंदर कौन कौन सी बातें लिखी हैं, वेद के अंदर कौन कौन सी बात लिखी है वो है अर्लियर हिस्ट्री में। इसके अलावे हमारे पास में जो चाणक्य हैं उन्होंने क्या क्या लिखा था, उसकी चार चार लाइनें मैंने लिख दी हैं ताकि आपको पता लगे कि उस समय भी लोग सोच रहे थे और बहुत सारी चीजें वहां अवेलेबल थी। क्योंकि कोई भी चीज अचानक से नहीं बनती, जब हम किसी चीज को बनाते तो अलग अलग जगहों से उसके इंफॉर्मेशन एक्सट्रैक्ट करते हैं। बाइबल में भी लिखा था, कुरान में भी लिखा था, ये सारी चीजें मैंने आपको यहां पे लिखवा दी हैं। उसके बाद जो अर्लियर डेबिट और क्रेडिट की हिस्ट्री बनाई बेंडेटो ने और लुका पेसियोली ने, उसके बारे में भी थोड़ी बहुत बातें लिखी हुई। तो ये जस्ट फॉर इंफॉर्मेशन है। हिस्ट्री ऑफ डेवलपमेंट ऑफ स्टैंडर्ड्स में यहां देखेंगे ब्लैक ट्यूजडे का एक पेपर कटिंग लगा हुआ है। ये 1969 के पेपर की कटिंग है, जो कटिंग आज भी आपको इंटरनेट पे मिल जाएगी। ये 1929 जब मैंने बताया था स्टॉक मार्केट का क्रैश हुआ था, उसके समय में ब्लैक ट्यूजडे के नाम से इसका जो आया था वहां पे पेपर कटिंग वो लगा दिया है। उसी के बाद मेनली स्टैंडर्ड की शुरुआत शुरू होती है, क्योंकि वहीं पे लोगों को लग गया कि लिटरेचर का कोडिफिकेशन बहुत जरूरी है। बात समझ आ रही है? इसके बाद में वही सारी कहानी लिखी है जो कहानी मैंने बताई। अब इंडियन सिनेरियो की बात करते हैं। यहां से मैं आपको थोड़ा थोड़ा करके नोट भी करा दूंगा क्योंकि यह हमारे कोर्स कंटेंट का पार्ट है। तो ऊपर मैंने स्ट्रेटजी डिस्कस की थी कि हम किस तरीके से कोर्स का प्रिपरेशन करेंगे, और नीचे से अब हम लिखना शुरू करेंगे। तो नंबर इसका चेंज कर देते हैं क्योंकि काम की बात आपकी यही। पॉइंट नंबर वन, इंडियन सिचुएशन बिफोर एप्लीकेशन ऑफ इंडेस, इंडेस के एप्लीकेशन से पहले इंडिया में क्या सिचुएशन था, इंडियन सिचुएशन बिफोर एप्लीकेशन ऑफ इंडेस। इंडिया में जो कंपनीज थी उनके ऊपर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड लगते थे, यानी कंपनीज अदर देन कंपनीज, अगर मैं कंपनीज की बात करूं दोस्त, अगर मैं बात करूं कंपनीज की, तो कंपनीज के ऊपर भी पहले अकाउंटिंग स्टैंडर्ड ही लगता था। पहले क्या लगता था? अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स, एएस लगते थे, लेकिन इसका डिसीजन लेती थी एमसीए मिनिस्ट्री कि कंपनी के ऊपर कब से लगाना है स्टैंडर्ड, कहां एग्जम्पशन वगैरह है। बात समझ आई?
अदर देन कंपनी के ऊपर भी एस लगता था, लेकिन एस लगाने का डिसीजन लेती थी आईसीएआई। कंपनीज को दो हिस्से में बांटा था, एसएमसी नॉन एसएमसी, और जो अदर देन कंपनीज है उसको चार लेवल में बांटा है, लेवल वन, लेवल टू, लेवल थ्री और लेवल फोर। ये जस्ट फॉर रेफरेंस है, इतना ही लिखना है, इसके अलावा बाकी चीजें लिखनी नहीं है। अगर आपको पढ़ना होगा तो यहां पे मैंने दे रखा है, आप वो पढ़ सकते हैं, क्योंकि इसकी हमें जरूरत नहीं। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड कैसे कैसे बनता है, कंपनीज पे कैसे एप्लीकेबल हुआ, अदर देन कंपनीज पे कैसे एप्लीकेबल हुआ, ये सब सिर्फ बैकग्राउंड इंफॉर्मेशन है, इसकी कोई हमें पढ़ने की आवश्यकता नहीं। बस मैंने आपको बता दिया ये सिचुएशन था एक का इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड आने से पहले। लेकिन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के साथ दिक्कत क्या है, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड इंडिया में बनना शुरू हुआ 1979 से, और जो बोर्ड अकाउंटिंग स्टैंडर्ड का सेटअप हुआ था सी इंस्टीट्यूट में वो 21 अप्रैल 1977 को। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड भी जितने भी बने हैं वो सब इंडियन अकाउंट सॉरी आईएफआरएस ही बने। तो आप बोलेंगे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड भी आईएफआरएस से बने, इंडेस भी आईएफआरएस से बने, तो अंतर क्या रह गया? अकाउंटिंग स्टैंडर्ड अपने देश के हितों को ध्यान में रखते हुए बिल्कुल लिमिटेड एप्लीकेशन के लिए बनाया गया। और दूसरी चीज है, जब वो बना उसके बाद उसमें कोई रिवीजन नहीं हुआ। जिन स्टैंडर्ड्स में रिवीजन हुआ, जो नए तरीके के बने, जैसे एस10 प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट, तो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 10 पीपीई में और इंडेस 16 पीपीई में आपको अंतर नहीं दिखेगा, वो बिल्कुल सेम है, थोड़ी बहुत चेंजेज है, बाकी ऑलमोस्ट सेम है। बट बाकी जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड थे वो बहुत पहले बनाए गए, इंडियन सिचुएशन को ध्यान में रखते हुए बनाए गए, तो बहुत सारी चीजें जो आईएफआरएस में थी उसको इनकॉर्पोरेट ही नहीं किया गया। और दूसरी चीज यह है कि उसको कभी टाइम से अमेंड नहीं किया गया, इसलिए उसमें बहुत ही कम इंफॉर्मेशन है और वो ग्लोबली एक्सेप्टेड लैंग्वेज नहीं है। यही दिक्कत थी कि वो जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के अंदर हम अकाउंटिंग करते हैं वो इन्वेस्टर्स को नहीं समझ आती है, इंडिया के बाहर के लोगों को समझ नहीं आती। तो अगर आपको ग्लोबल इन्वेस्टमेंट लाना है, ग्लोबल मार्केट बनानी है इंडिया के अंदर, तो आप अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के बेसिस पे कंप्लायंस करके तो कभी बना नहीं सकते। मेरी बात समझ आ रही है? इसलिए नीड थी इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड लाने की, और इसी वजह से गवर्नमेंट ने यह कह दिया कि 1 अप्रैल 2015 से इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड वॉलेंट्री बेसिस पे एप्लीकेबल है, और उसके बाद में 1 अप्रैल 2016 से मैंडेटरी बेसिस पे, फिर 1 अप्रैल 2017 से भी है, 1 अप्रैल 2018 से भी, 1 अप्रैल 2019 से भी, 1 अप्रैल 2023 से भी है। वो तो सब मैं इंडेस रूल जब आगे दिखाऊंगा तो आपको बता ही दूंगा। बात समझ आई? तो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के इन अप्रोप्रिएट होना, हर जगह पे नहीं होना, पुराना हो जाना, लॉजिक्स का अभाव, इस सब की वजह से इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बना। इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड निकला है आईएफआरएस से। मेरी बात समझ आ रही? कहां से निकला? आईएफआरएस से। और आईएफआरएस के से जो निकला हुआ उसी के हिसाब से उसकी सारी ट्रीटमेंट की जाती है। बात समझ आई? तो अब मैं आपको सिखा रहा हूं कि इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड कैसे कैसे बना है। पॉइंट नंबर दो, ओरिजिनेशन ऑफ इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स। ओरिजिनेशन ऑफ इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स। इंडेस, इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड का मतलब इंडेस आप इसको शॉर्ट में कहेंगे। इंडेस डिराइव्ड फ्रॉम आईएफआरएस। इंडेस कहां से बना है? आईएफआरएस से, विद सर्टिन कार्ब। इसमें कुछ कार्ब भी हैं। कार्ब का मतलब होता है डिम, चेंज करना, लेकिन वो बहुत ही कम चेंजेज हैं। अब कार्ब की एनालिसिस करेंगे आप, कार्ब किसे कहते हैं? कार्ब
इन इंड एस फ्रॉम IFRS एनालिसिस देखिए। आपके मन में पहला क्वेश्चन तो यह अराइज होगा, सबसे फर्स्ट क्वेश्चन आपके मन में क्या अराइज होगा, ध्यान देना, सबसे पहला क्वेश्चन दिमाग में यह अराइज होता है कि जब अंतर है तो वर्ड डिफरेंस क्यों नहीं लिखा, कार्ब क्यों लिखा। कार्ब में और डिफरेंस में अंतर समझिए, जब किसी चीज का बेस बिल्कुल सेम हो, बेस क्या हो, सेम मतलब बनने के आधार सेम है, ढांचे सेम है, बस ऊपर कुछ डिफरेंस आया है। मेरी बात समझ आ रही, डिफरेंस कहां पे आया, ऊपर में डिफरेंस आया है, मतलब बाद में डिफरेंस आया है। तो अगर इस तरीके का कोई डिफरेंस आए, कहीं कहीं पे कुछ चेंज किया, तो हम उसको डिफरेंस नहीं कह सकते, क्योंकि स्ट्रक्चर तो बिल्कुल सेम है, थोड़ा कहीं पे हिला दिया, इसलिए यहां पे जो वर्ड यूज किया जाता है डिक्शनरी में उसको क्या बोलते हैं, कार्ब। ये कार्ब भी दो तरीके के होते हैं, अभी पूरा समझना पड़ेगा। एक होता है कार्ब नॉट रिजल्टिंग इनटू कार्ब, एक है कार्ब नॉट रिजल्टिंग इनटू कार्ब। कार्ब तो है बट कार्ब का कोई फाइनेंशियल इंपैक्ट नहीं है, मतलब चेंजेस दिख तो रहा है लेकिन उस चेंजेस का कोई प्रभाव नहीं है, इसको बोलते हैं कार्ब नॉट रिजल्टिंग इनटू कार्ब। और एक होता है कार्ब रिजल्टिंग इनटू कार्ब। एक ऐसा बदलाव है जिस बदलाव का फाइनेंशियल इंपैक्ट आपको दिख रहा है, इसको बोलते हैं कार्ब रिजल्टिंग इनटू कार्ब। क्या आपको यह बात समझ आई, कार्ब रिजल्टिंग इनटू कार्ब। अब कार्ब नॉट रिजल्टिंग इनटू कार्ब क्या है, जैसे कि एग्जांपल ले लो, IFRS में दो दे रखे हैं ऑप्शन, आप इस मेथड से भी ट्रीटमेंट कर सकते हो और इस मेथड से भी कर सकते हैं, और हमने एक उठा लिया। जैसे इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 40 में इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी में दो ऑप्शन है कि आप इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी को कॉस्ट मॉडल पे भी रख सकते हैं या फेयर वैल्यू मॉडल पे भी रख सकते हैं। हमने इंड एस 40 में सिर्फ कॉस्ट मॉडल रखा, फेयर वैल्यू मॉडल नहीं रखा। इसको भी आप कार्ब रिजल्टिंग इंटू कार्ब नहीं कह सकते, क्योंकि आपने दो रास्ते दिए थे, हमने एक फॉलो किया एक छोड़ दिया। जैसे स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन का नाम हमने बैलेंस शीट रख दिया, इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड में नाम क्या है, स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन, इंडिया में नाम क्या है, बैलेंस शीट। तो आप अगर उसका नाम बैलेंस शीट रख देंगे उससे कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। पीएल अकाउंट का नाम है स्टेटमेंट ऑफ कंप्रेहेंसिव इनकम, बट इंडिया में हम अभी भी क्या कहते हैं, पीएनएल। किसी का नंबरिंग बदल देंगे, जैसे IFRS 1 है और यहां पर इंड एस 101 है, ये बदलाव दिखते तो हैं लेकिन इसका अकाउंटिंग में कोई बदलाव नहीं आता। इसको हम कहते हैं कार्ब नॉट रिजल्टिंग इनटू कार्ब, मतलब नो फाइनेंशियल इंपैक्ट। नो फाइनेंशियल इंपैक्ट, फाइनेंशियल इंपैक्ट नहीं है। दूसरा होता है जिसका फाइनेंशियल इंपैक्ट हो, और जिसका फाइनेंशियल इंपैक्ट हो वो दो तरीके के होते हैं। एक होता है कार्ब इन एक होता है कार्ब आउट। कार्ब इन का मतलब अगर इंड एस में IFRS में कुछ नहीं है और हम इंड एस में जोड़ते हैं तो उसको बोलते हैं कार्ब इन। जैसे बिजनेस कॉम्बिनेशन में IFRS 3 के अंदर कॉमन कंट्रोल का प्रोविजन नहीं, यानी इंटरेस्ट पूलिंग मेथड का एप्लीकेशन नहीं है, बट इंड एस 103 में इंटरेस्ट पूलिंग मेथड को जोड़ा गया है एज एडिशनल गाइडेंस, तो हो गया कार्ब इन।
कार्ब आउट का मतलब होता है आईएफआरएस में कुछ पॉइंट है उसको आपने काट के हटा दिया, उसको क्या बोला कार्ब आउट। बात समझ आई? इन का मतलब इंडेस में जोड़ना, आउट का मतलब इंडेस से हटाना। तो कार्ब इन और कार्ब आउट जिसका कोई डिफरेंस बनेगा, मतलब जिसका फाइनेंशियल इंपैक्ट होता है, वो किन किन वजहों से होते हैं? एक होता है कंट्री इकोनॉमिक सिचुएशन। भाई आईएफआरएस तो सारी दुनिया को सोच के बनाया गया है, लेकिन जब आप उसको अपनी कंट्री में अप्लाई करेंगे तो आपको अपने कंट्री का स्पेसिफिक सिचुएशन भी देखना पड़ेगा, उसकी वजह से बदलाव आते हैं। कोई लीगल प्रोविजन, लीगल प्रोविजन ऑफ लोकल लॉ, जो लोकल कानून है उसका लीगल प्रोविजन है, उस लीगल प्रोविजन के वजह से भी कई बार कार्ब किए जाते हैं। बट इंडिया में अब ये लीगल प्रोविजन वाला कोई झंझट रह नहीं गया। उसका रीजन ये है कि आईएफआरएस को अप्लाई होना था इंडिया में 2011 से ही, बट वो अप्लाई हुआ 2015 से, क्योंकि इशू अराइज हो रहा था कंपनी एक्ट में, तो कंपनी एक्ट को चेंज कर दिया गया। अब कंपनी एक्ट का कोई भी प्रोविजन आईएफआरएस से कॉन्ट्राडिक्ट नहीं करता, बट लीगल के प्रोविजन की वजह से भी कई बार कार्ब होते हैं जिसका फाइनेंशियल इंपैक्ट आता है। मेरी बात समझ आ रही? इसके अलावा कई बार रॉन्ग ट्रीटमेंट हो जाए आईएफआरएस में, जिसको आईएफआरएस बोर्ड ने मान लिया है कि ये गलत है, इसको हम आगे ठीक करेंगे, तो अगर हम इंडेस बाद में बना रहे हैं तो हम ठीक करके ही क्यों ना बनाएं। लेकिन आज के डेट में बस एक ही सिचुएशन एग्जिस्ट करता है जो फर्स्ट सिचुएशन है, बाकी और कोई सिचुएशन एग्जिस्ट नहीं करता, क्योंकि ना ही आईएफआरएस में कोई गलती है अभी फिलहाल, और ना ही कोई लीगल प्रोविजन मिसमैच कर रहा है। बाकी सारी चीजें रिजॉल्व हो चुकी हैं। जब आया था उस समय बहुत सारी चीजें थी, अब ऑलमोस्ट सारी चीजें क्या हो गई हैं? रिजॉल्व हो गई। तो ये हो गया आपका कार्ब इन एंड कार्ब आउट। अगर कोई फाइनेंशियल सिग्निफिकेंट जिसका इंपैक्ट नहीं होता, ऐसे कार्ब क्या होते हैं? देखो, चेंज इन टर्मिनोलॉजी, टर्मिनोलॉजी में बदलाव, चेंज इन नंबर, नंबरिंग में बदलाव, इसके अलावा सेलेक्शन ऑफ ऑप्शन, हमारे पास एक से ज्यादा ऑप्शन था, हमारे पास क्या था? एक से ज्यादा ऑप्शन, और हमने कोई एक ऑप्शन सेलेक्ट कर लिया, तो उस केस में भी जो बदलाव होता है उसका कोई फाइनेंशियल इंपैक्ट मेजरली देखा नहीं जाता। क्या यह बात आपको समझ आ गई? आवाज में ताकत लाओ। चलिए, तो ये आपको ये पता लग गया कि इंडेस बना कहां से है? आईएफआरएस से। और आईएफआरएस से बना है तो कैसे बना है, यह भी बात समझ आ गई। अब मैं आपको इंडेस की नंबरिंग बता देता हूं, नंबरिंग ऑफ इंडेस। नंबरिंग ऑफ इंडेस, करस्पॉन्डिंग टू IAS, मतलब जितना इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के बेसिस पे इंडेस बना है उसकी नंबरिंग सेम है, सेम नंबर। जैसे एग्जांपल ले लो, IAS 1, तो इधर बनेगा IND AS 1, मतलब इसके नंबर में कोई चेंज नहीं है, बट जो करस्पॉन्डिंग टू IFRS है उसमें चेंज है।
करस्पॉन्डिंग टू आई एफ आर एस, अगर आई एफ आर एस के करस्पॉन्डिंग में है कोई तो यहां पे नंबरिंग स्टार्ट फ्रॉम 101, मतलब इसमें 100 का कोड लगा हुआ है। कितने का कोड लगा हुआ है? 100 का। जैसे अदर एग्जांपल ले लें, आई एफ आर एस 1, तो यहां बन जाएगा इंड एस 101। बात समझ आई? आई एफ आर एस 2 इंड एस 102, आई एफ आर एस 3 इंड एस 103, मतलब आई एफ आर एस के करस्पॉन्डिंग में जितने भी इंडेस हैं सबके ऊपर 100 का कोड लगा दिया है। अब आप बोलेंगे ऐसा क्यों किया? देखो आई एफ आर एस में तो दो अलग अलग नाम है, आई एस का नाम अलग है, आई एफ आर एस का नाम अलग है, तो वहां पे आई एस 1 बोलेंगे तब भी लोग समझ जाएंगे, आई एफ आर एस 1 बोलेंगे तब भी समझ जाएंगे, बट इंडिया में तो एक ही नाम है इंडेस, तो एक बार आई एस 1 के काउंटर में लिख दोगे इंडेस 1, फिर आई एफ आर एस 1 के काउंटर में लिख दोगे इंडेस 1, तो लोग तो नंबरिंग में कंफ्यूज हो जाएगा। इसलिए डिसीजन ये लिया गया कि आई एफ आर एस की जो सीरीज है वो 101 से स्टार्ट करो और आई एस वाली जो सीरीज है उसको सेम नंबर पे रख दो। तो आपको नंबरिंग का डाउट क्लियर हो गया। अब देखिए, अब अगला पॉइंट आता है कि जब आई एफ आर एस और आई एस बना तो आई एफ आर एस और आई एस में कई चीजें बहुत क्रिटिकल होती हैं जिसको इंडस्ट्री को भी ठीक से समझ नहीं आता, मतलब इंडस्ट्री भी ठीक से उसको समझ नहीं पाती, तो कई बार उन चीजों को समझाने के लिए इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड ने कमेटी बना रखी है। जो इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड का इंटरप्रिटेशन कर रही थी कमेटी, उसका नाम था स्टैंडिंग इंटरप्रिटेशन कमेटी। क्या नाम था? स्टैंडिंग इंटरप्रिटेशन कमेटी। और जो आई एफ आर एस का इंटरप्रिटेशन कर रही है उसका नाम है इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग इंटरप्रिटेशन कमेटी, इफ्रिक इंटर कमेटी कहते हैं। मेरी बात समझ आई? इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग इंटरप्रिटेशन कमेटी। तो अलग अलग समय पे जो स्टैंडिंग इंटरप्रिटेशन कमेटी थी वो भी, जो इफ्रिक इंटरप्रिटेशन कमेटी वो भी, दोनों कमेटीज ने अलग अलग समय पे बहुत सारे आपके इंटरप्रिटेशन निकाले। मेरी बात समझ आ रही? उन सारे इंटरप्रिटेशन को इंडेस में अपेंडिक्स बना के जोड़ दिया गया है। क्या बना के जोड़ा है? अपेंडिक्स। तो जो इंटरप्रिटेशन हैं वो स्टैंडर्ड के अंदर अपेंडिक्स बना के जोड़े गए। इंटरप्रिटेशन टू आईएएस एंड आईएफआरएस, टेक्निकली इसका नाम देखेंगे तो लिखा रहता है इफ्रिक एंड सिख, इनको अपेंडिक्स बना के जोड़ा गया, एडेड एज अपेंडिक्स। तो ये अपेंडिक्स भी आपको कई जगह दिख जाएगा और ये कुछ अपेंडिक्स हमारे कोर्स में भी है, तो जब जब हम पढ़ेंगे उस अपेंडिक्स का नाम आपको उसके साथ साथ पता लगता चलेगा। वैसे सारे अपेंडिक्स कोर्स के पार्ट नहीं है बट कुछ अपेंडिक्स हैं, नाम मैंने सबके दे दिए यहां पे लिख करके ताकि आप थोड़ा बहुत नॉलेज तो रख ही पाए कि क्या क्या है इंटरप्रिटेशन और कौन कौन से स्टैंडर्ड हमारे पास हैं। क्या ये बात समझ आई? अब ये तो आपको पता लग गया कि इंडेस बना आई एफ आर एस से है, तो अब ये भी समझ लेते हैं, एक बार लिखेंगे नहीं बट समझ लेते हैं कि आई एफ आर एस कैसे बनता है। आई एफ आर एस का टेक्निकली नाम है ग्लोबल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स। ईयर 1973 में, जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया था कि इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड कमेटी बनी और उसने बनाना शुरू किया इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स। आफ्टर 25 ईयर आई एस इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड कमेटी रीस्ट्रक्चर्ड ऑन 1 जुलाई, एक्चुअली 27 ईयर होना चाहिए था, 1 जुलाई क्या बना दिया? आई एफ आर एस। ये बात मैं आपको बता चुका हूं, एनरॉन का केस हुआ, बहुत सारी प्रॉब्लम हुई, तो गाइडेंस बनाने के लिए और भी हमने एक नया नाम रखा आई एफ आर एस। ईयर 1989 तक, टिल मे 2000,
जो आईओएससीओ है, ये यूरोपियन जो यूनियन है उसकी एक संगठन का नाम है, नोटिफाई 30 स्टैंडर्ड्स फॉर एप्लीकेशन। पुराने जमे में ये जो इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बने थे रिकमेंडेटरी होते थे, मैंडेटरी नहीं होते थे। मतलब ऐसा नहीं था कि आपको लगाना ही, आप अकाउंटिंग के लिए इसको यूज कीजिए। इवन इंडिया में अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 2006 तक रिकमेंडेटरी था। पहली बार सरकार ने 2006 में अकाउंटिंग स्टैंडर्ड रूल लाया, उससे पहले रिकमेंडेटरी थे। आपको लगाना है लगाओ, नहीं लगाना मत बनाओ। स्टैंडर्ड बना जरूर हुआ है बट मैंडेटरी नहीं था। 2006 में पहली बार मैंडेटरी किया था गवर्नमेंट ने इंडिया के अंदर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। ऐसे ही यूरोपियन यूनियन में एक्चुअली जो आईएफआरएस का एप्लीकेशन शुरू हुआ है वो 2005 में हुआ है, बट 2000 से वहां की जो संस्थाएं थी उन्होंने अपने आप को एक्नॉलेज कर लिया था कि नहीं, हमें लगाना है आईएफआरएस और आईएफआरएस के हिसाब से ही काम करना है। आज तो दुनिया के 180 से ज्यादा कंट्री में आईएफआरएस की एप्लीकेबिलिटी है, लेकिन आज के 25 साल पहले अगर चले जाएं तो हर जगह सिर्फ रिकमेंडेटरी थे, मैंडेटरी नहीं हुआ करते थे। 19 जुलाई 2002 यूरोपियन यूनियन पास्ट रेगुलेशन दैट ऑल ईयू लिस्टेड एंटिटीज शुड फॉलो आईएफआरएस फ्रॉम 2005। मतलब यूरोप के अंदर इफेक्टिवली 2005 से आईएफआरएस का एप्लीकेशन स्टार्ट हो गया। क्या यह बात आपको क्लियर हो गई? ग्लोबल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड की इंडिया में क्यों जरूरत है, बेनिफिट ऑफ ग्लोबल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स क्या है, ये सारी बातें मैंने आपको बता दी। कन्वर्जेंस वर्सेज एडॉप्शन अभी आपको बताएंगे। प्रोसेस ऑफ डेवलपमेंट ऑफ इंडेस, इंडेस कैसे बनता है देखना। इंडेस बनता नहीं है, बनता आईएफआरएस है, आईएफआरएस से हम इंडेस बना लेते हैं। आईएस बी इशू न्यू आईएफआरएस और अपडेट एग्जिस्टिंग वन, या तो नया आईएफआरएस आईएस बी इशू करेगी। जैसे अभी अभी कुछ दिन पहले आईएफआरएस बोर्ड ने आईएफआरएस 18 रिलीज किया है प्रेजेंटेशन का। अब फिर कुछ दिन पहले आईएफआरएस 19 रिलीज किया है, सब्सिडियरी के की चीजों को आप डिस्क्लोज करेंगे उसके ऊपर। तो आईएफआरएस बोर्ड एक नया स्टैंडर्ड इशू करता है या पुराने को अपडेट करता है। डेलिब्रेशन एंड कंसिडरेशन ऑफ ड्राफ्ट इंडेस इन लाइन विद आईएफआरएस बाई एसबी। मतलब उधर आईएफआरएस बनाए अकाउंटिंग जो इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड बोर्ड है और सीधा यहां पे आ गया, अब उसको आप डेलिब्रेशन ले लेते हैं कि भैया किन किन चीजों पे हमें विचार करना है या एज इट इज रखना है। मेरी बात समझ आई? ड्राफ्ट बना करके जितने भी मेंबर हैं अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड में उन सबको सर्कुलेट कर दिया जाता है ताकि उसके ऊपर बहस हो सके। तीन बार मैं भी बोर्ड का मेंबर रह चुका हूं, एक बार तो इंडेस बोर्ड में भी था। तो यहां पे सारी चीजों का आप एक तरीके से कह सकते कि पूरा डिटेल डेलिब्रेशन हो जाता है, मीटिंग होती है रिप्रेजेंटेटिव के साथ, क्योंकि आपको अप्लाई करना है तो इंडिया में जितनी भी बॉडीज हैं उन सब के साथ आपको मीटिंग करनी पड़ती है, उनके कमेंट्स लेने पड़ते हैं, कमेंट को इंक्लूड करना पड़ता है, फिर नए एक्सपोजर ड्राफ्ट लेने पड़ते हैं, फिर फाइनल ड्राफ्ट बनाया जाता है, फाइनल ड्राफ्ट को एनएफआरए को भेज दिया जाता है। एनएफआरए के रिकमेंडेशन के बाद मिनिस्ट्री ऑफ कॉरपोरेट अफेयर्स इंडेस को ऑफिशियल गैजेट में जारी कर देती है, और जब इंडेस को ऑफिशियल गैजेट में मिनिस्ट्री ऑफ कॉरपोरेट अफेयर्स जारी कर देती है उस दिन से वो इंडेस प्रैक्टिकली बिजनेस के ऊपर एप्लीकेबल हो जाता है। के बात समझ आई? मतलब ये सारे काम फॉर्मेलिटी के हैं, बहुत ज्यादा इसमें कुछ होता नहीं, क्योंकि ना कोई पैराग्राफ नंबर चेंज होता, कुछ भी नहीं होता, एज इट इज सब रहता है। बस एक बार पढ़ के इंडस्ट्री का व्यू लेकर के कैसे एप्लीकेशन करना है, क्या इसमें कोई ऐसी जरूरत है कि कार्य किया जाए या ना किया जाए, उसके ऊपर बहस करके उसको एज इट इज हम प्रोसेस करके भेज देते हैं। तो मेनली जो बनता है आईएफआरएस वो आईएफआरएस बॉडी बनाता है, यहां पे सिर्फ उसका क्या होता है, कन्वर्जेंस। अब सवाल है कि क्या जब ऑलरेडी हम वही चीज छाप रहे हैं तो अलग से एक बोर्ड बना करके उसमें समय लगाने की क्या जरूरत है? उधर आईएफआरएस बोर्ड ने बनाया, इधर आप इंप्लीमेंट कर दो। तो इसकी थ्योरी यहां डेवलप होती है, और इसकी थ्योरी डेवलप होती है कन्वर्जेंस वर्सेज एडॉप्शन से। कैसे डेवलप करते हैं? कन्वर्जेंस वर्सेज एडॉप्शन। तो अभी चलिए कन्वर्जेंस वर्सेज एडॉप्शन पे आते हैं। लिखिए कन्वर्जेंस वर्सेज एडॉप्शन। दुनिया में बहुत सारी ऐसी कंट्रीज हैं जो आईएफआरएस को कन्वर्ट नहीं करती, एज इट इज अडॉप्ट कर लेती है। मतलब इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड ने बनाया वही चीज एप्लीकेबल हो गया। जो बड़ी इकोनॉमीज हैं
वो एज इट इज अप्लाई नहीं करती, वो उसको पढ़ती और अपनी इकोनॉमिक सिचुएशन पे उसको देख करके फिर उसको इंप्लीमेंट करती, भले उसमें कोई बदलाव हो या ना हो। तो कन्वर्जेंस का मतलब एज इट इज एडॉप्शन नहीं होता, कन्वर्जेंस का मतलब होता है एडॉप्शन विद सुटेबल मॉडिफिकेशन इफ रिक्वायर्ड, और एडॉप्शन का मतलब होता है एज इट इज एप्लीकेशन। तो इंडिया ने कन्वर्जेंस किया है, एडॉप्शन नहीं किया। तो इसको आप लिखेंगे कन्वर्जेंस मींस एडॉप्शन, मतलब एप्लीकेशन लिखते हैं, एडॉप्शन वर्ड ही हटा देते हैं, एप्लीकेशन विद सुइटेबल मॉडिफिकेशन। और एडॉप्शन मींस एज इट इज एप्लीकेशन। मतलब किया कुछ नहीं, सीधा उठा करके जैसे था वैसे अप्लाई कर दिया। इंडिया में कन्वर्जेंस हुआ है, एडॉप्शन नहीं हुआ है। इन इंडिया कन्वर्जेंस टेक्निक अप्लाइड, मतलब हमने एडॉप्शन नहीं किया, हमने कन्वर्जेंस वाला प्रोविजन अप्लाई किया है। बात समझ आ गई? तो कन्वर्जेंस वर्सेज एडॉप्शन भी आपको समझ आ गया। अब हम चलते हैं कि इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड का इंडिया में एप्लीकेशन कैसे होगा। उससे पहले एक और भी बात बता दे कि इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड कहते किसे हैं, मीनिंग क्या है। लिखिए मीनिंग ऑफ इंडेस। मीनिंग ऑफ इंडेस, इंडेस इज हाई क्वालिटी, इंडेस में इज मत लगाओ, इंडेस आर हाई क्वालिटी ग्लोबल हाई क्वालिटी स्टैंडर्ड्स, लिखें स्टैंडर्ड्स डिराइव्ड फ्रॉम IFRS दैट प्रेस्क्राइब IFRS में क्या क्या रहता है वो देखना, मेजरमेंट रिकॉग्निशन प्रेजेंटेशन डिस्क्लोजर्स। मतलब आप कोई भी स्टैंडर्ड पढ़ेंगे आपको मिलेगा यही सब कुछ, किसी भी आइटम की मेजरमेंट कैसे हो सकती है, रिकॉग्निशन कैसे हो सकता है, उसकी प्रेजेंटेशन कैसे हो सकती है और डिस्क्लोजर कैसे होता है। बात समझ आई? मतलब या तो एक ही स्टैंडर्ड में सब कुछ रहेगा या कोई स्टैंडर्ड सिर्फ डिस्क्लोजर बेस्ड है, कुछ में मेजरमेंट रिकॉग्निशन प्रेजेंटेशन सब है, तो जिसमें सारी चीजें वो थोड़ी बड़ी हैं, जिसमें सिर्फ डिस्क्लोजर है वो थोड़ी छोटी हैं। मेरी बात समझ आ रही है? बट मोर और लेस इंडेस के अंदर यही रहता है। मेरी बात समझ आ रही? हम इंडेस के रूल को स्टार्ट करेंगे, उससे पहले
आपको एक पॉइंट और भी बता देते हैं, और वो है कि इन डेज की ड्राफ्टिंग कैसे होती है, ड्राफ्टिंग ऑफ इन डेज। अब इंस्टीट्यूट ने ये भी कोर्स में दे दिया कि आप ड्राफ्टिंग भी देख लो कैसे होता है, बाकी आप कब बोर्ड में जाएंगे, कब ड्राफ्टिंग देखेंगे, तो आप अभी ये समझ सकते हैं कि इन डेज की ड्राफ्टिंग कैसे की जाती है। जितने इंडेस अभी तक हैं मैंने उसके नंबर्स दे दिए हैं, जो प्रपोज्ड हैं उसके भी नंबर्स दे दिए हैं। स्ट्रक्चरिंग ये देखिए, डिवीजन ऑफ इंडेस, सबसे पहला पैराग्राफ होता है ऑब्जेक्टिव का, फिर होता है स्कोप का जिसमें बाउंड्री बताते हैं, डेफिनीशंस होते हैं, फिर कंटेंट में होता है रिकग्निशन, मेजरमेंट, प्रेजेंटेशन जो भी हो, फिर डिस्क्लोजर होता है, ट्रांजिशनल प्रोविजन भी हो सकते हैं। ट्रांजिशन का मतलब अगर पुराने स्टैंडर्ड से नए पे आना है तो कैसे अप्लाई करेंगे, और इसके अपेंडिक्स होते हैं, अपेंडिक्स मैंने बता ही दिया। इंटरप्रिटेशन की जो लिस्ट होती है उसको हम टेक्निकली क्या कहते हैं, अपेंडिक्स। तो क्या आपको ये बात समझ आ गई, बोलिए। तो ये था हमारे पास में स्टैंडर्ड्स की पूरी बात। चलिए, ड्राफ्टिंग ऑफ इंडेस के बाद लिखना है तो लिख लीजिए, ड्राफ्टिंग में क्या क्या आया। सबसे पहला है आपके पास में ऑब्जेक्टिव, फिर है स्कोप, फिर है डेफिनेशन, उसके बाद आ जाएगा कंटेंट यानी मेजरमेंट, रिकॉग्निशन, प्रेजेंटेशन, फिर आ जाएगा डिस्क्लोजर्स। अपेंडिक्स भी, ये डिवीजन रहता है नॉर्मली स्टैंडर्ड्स के, इतने डिवीजन में ये बने रहते हैं। मतलब कोई भी स्टैंडर्ड का अगर आप टाइटल पढ़ेंगे तो उसके अंदर आपको मेजर मेजर ये कंटेंट नजर आएगा जब आप टेक्स्ट पढ़ेंगे तो। और एक चीज का ध्यान और भी रखेंगे कि जैसे कोई पॉइंट हम डिलीट करते हैं, जैसे आईएफआरएस में कोई पैराग्राफ है और हमें नहीं रखना है, हम डिलीट कर देते हैं, तब भी उसका पैरा नंबर डिलीट नहीं किया जाता है। अगर कंटेंट डिलीट भी कर दिया तो पैराग्राफ नंबर सेम रहेगा। मतलब सारे पैराग्राफ आईएफआरएस के और सारे पैराग्राफ इंडेस के पैरा नंबर वाइज मैच करते हैं। बात समझ आई, पैरा ऑफ आईएफआरएस एंड इंडेस ऑलवेज रिमेन सेम, ये हमेशा सेम होते, इसमें बदलाव नहीं किए जाते। तो आप बोलेंगे सर चलो ठीक है, आईएफआरएस में कोई कंटेंट है उसको डिलीट करना है, तो आपने कंटेंट को डिलीट कर दिया, पैरा नंबर छोड़ दिया, वो तो रह गया। बट इन डेज में कुछ चीज जोड़ना है तो कैसे जोड़ोगे, उसके लिए हम पैरा में ए बी सी का यूज करते ताकि पैरा के नंबर में कोई चेंज ना आए। जैसे कोई चीज जोड़ना है, मान लो पैराग्राफ 15 में कोई जोड़ना है तो हम 15 ए कर देंगे ताकि पैराग्राफ की नंबरिंग क्या रहे, सेम है जी। हाँ, ताकि पैराग्राफ के नंबर आईएफआरएस और इंडेस में सेम रहते हैं, उसमें कोई बदलाव नहीं आता। क्लियर। अब जो मेन कंटेंट है इस पहले वाले क्लास का जिसका एग्जामिनेशन में यूज है, वह है आपका एप्लीकेशन ऑफ इंडेस। तो पॉइंट नंबर लिखिए 3, एप्लीकेशन ऑफ इंडेस, यही मेन पॉइंट है और इसी के ऊपर क्वेश्चन भी इंस्टीट्यूट ने बना के दिया है जो हम करेंगे।
एप्लीकेशन ऑफ इंडेस, इसको आप कह सकते इंडेस रूल, अपडेटेड टिल डेट। इंडेस रूल 2015 अपडेटेड टिल डेट, पहली बार इंडेस रूल 2015 में आया था और हर साल इसमें कुछ ना कुछ अमेंडमेंट आते रहते हैं, तो अभी तक जितने भी अमेंडमेंट्स आए हैं उन सबको इनकॉर्पोरेट करने के बाद आज का फाइनल इंडेस रूल क्या है वो आपको समझना है। बात समझ आई? चलिए देखिए, दिस रूल इज एप्लीकेबल टू होल ऑफ इंडिया। ये रूल पूरे इंडिया में एप्लीकेबल है। दिस रूल इज एप्लीकेबल टू होल ऑफ इंडिया और इंडेस रूल इक्वली एप्लीकेबल फॉर मैनेजमेंट एंड ऑडिटर। यह भी ध्यान रखना कि जितना ही ये मैनेजमेंट पे एप्लीकेबल है इतना ही ऑडिटर पे, मतलब कोई भी इसके एप्लीकेशन को डिनाई नहीं कर सकता। इंडेस रूल ये कहता है कि आपको एक्सप्लिसिट और अनरिजर्व स्टेटमेंट देना पड़ेगा कि आपने इंडेस की कंप्लाइंस की है। क्या बोलता है? एक्सप्लिसिट एंड अनरिजर्व स्टेटमेंट। अब अगर ऑडिटर कल को यह कह दे कि मुझे जानकारी नहीं मिली इसलिए मैंने ये लिख दिया, वो भी नहीं चलेगा। आपको जानकारी नहीं मिली तो क्यों नहीं मिली, वो सब जानकारी देंगे। तो इन डेज के अंदर काम करना अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के कंपैरिजन में काम करने से ज्यादा डिफिकल्ट है, क्योंकि यहां पे आप इग्नोरेंस के पोजीशन में नहीं चल सकते या अपने आप को सेफ नहीं कर सकते। इसलिए इन डेज के इंप्लीमेंटेशन के बाद कई बड़े कंपनी के ऑडिटर ने रिजाइन कर दिया। जब उनसे रीजन पूछा गया तो उन्होंने कहा कि कंपनियां इंफॉर्मेशन ही प्रोवाइड नहीं करती, तो ऐसे कंपनियों का हम कैसे ही इन डेज कंप्लाइंस कर पाएंगे, क्योंकि यहां पर कंप्लीट इंफॉर्मेशन की आवश्यकता है। बात समझ आई? जो सबसे पहला रूल आया था इंडेस का वो आया था कंपनीज के लिए, उसके बाद जो रूल एप्लीकेबल हुआ अभी तक के सारे ऑब्जर्वेशन के बाद वो एनबीएफसी के लिए, और उसके बाद का जो सबसे लेटेस्ट रूल आया अभी म्यूचुअल फंड पे। एक चीज ये भी ध्यान रखेंगे कि इंडेस जिस पे एप्लीकेबल होता है पूरा नहीं तो नहीं होता है, मतलब एस की तरह नहीं एग्जम्पशन वो एग्जम्पशन यहां लगेगा वहां लगेगा नहीं लगेगा ये सब नहीं। जो कंपनियां इंडेस रूल में आ गई उनके ऊपर पूरा पूरा ये लगेगा और जो नहीं आई उनके ऊपर बिल्कुल नहीं लगेगा। बात समझ आई है जी? नहीं, या तो पूरा या फिर कुछ नहीं, फिर ये फॉलो करो। ये कचरा पंदी वाली बात यहां नहीं है, या तो पूरा आपने अच्छे से किया है या फिर जैसे किया वैसे करना है। तो यहां पे आ गया हमारे पास सबसे पहले जो एप्लीकेशन शुरू हुआ इंडेस का वो कंपनीज पे। बात समझ आई? तो सबसे पहला एप्लीकेशन ऑफ इंडेस ऑन कंपनीज। इन एप्लीकेशंस को हम समझते हैं। पहले अगर कोई कंपनीज है जो कंपनीज एक्ट में रजिस्टर्ड है, वो कंपनीज एक्ट में क्या है? रजिस्टर्ड है, लेकिन अगर वो बैंक से या इंश्योरेंस से रिलेटेड कोई काम कर रही है, नॉर्मली नहीं होती लेकिन एनबीएफसी कंपनी एक्ट में भी रजिस्टर्ड हो सकती है। जो एनबीएफसी हैं वो कंपनी एक्ट में क्या हो सकती है? रजिस्टर्ड। तो याद रखेंगे जब मैं कंपनीज की बात करूंगा तो यहां पे एनबीएफसी को आप साइड रखेंगे, बैंक्स को साइड रखेंगे और इंश्योरेंस कंपनीज को भी साइड रखेंगे, क्योंकि एनबीएफसी
बैंक्स और इंश्योरेंस कंपनी के ऊपर इन डेज के लिए अलग गाइडेंस है, और अदर देन दिस के ऊपर जितनी कंपनीज रजिस्टर्ड हैं उनके लिए अलग गाइडेंस है। तो यह भी ध्यान रखना है कि कई बार लोग यह समझते हैं कंपनी के ऊपर 1 अप्रैल 15 से हो गया, अगर वह कंपनी एनबीएफसी में रजिस्टर्ड है तो उसके ऊपर एप्लीकेबल नहीं। मेरी बात समझ आ रही? ये बात रूल में लिखा हुआ है। तो यहां पे आप ध्यान देंगे, फ्रॉम 1 अप्रैल 2015, एक्सेप्शन, एनबीएफसी, बैंक्स, इंश्योरेंस कंपनीज, यानी अगर कोई फाइनेंशियल कंपनी है, इवन म्यूचुअल फंड भी है, बैंक्स के और इंश्योरेंस के तो खैर कानून ही अलग है, तो उसमें तो हम सीधा लिख दे कि कंपनीज एक्ट में कवर्ड नहीं है तब भी चलेगा, बट जब मैं एप्लीकेशन की बात करूंगा 1 अप्रैल 2015 से, यानी जो पहले एप्लीकेशन है, सबसे पहला रूल है इंडेस का, उसमें इन सारी कंपनीज को एग्जम्पशन मिला हुआ था, इनके ऊपर इंडेस एप्लीकेबल नहीं था। इनके ऊपर कैसे एप्लीकेबल होगा उसके बारे में हम चर्चा बाद में करेंगे। बात समझ आई? मतलब ये टेक्निकली इनको हम फाइनेंशियल कंपनीज मानते हैं और इनके लिए गाइडलाइंस अलग से है। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि इनके ऊपर अप्लाई नहीं हो रहा है या नहीं होगा, मैं अभी ये कह रहा हूं कि इनके रूल अलग हैं। तो पहले हम पढ़ते हैं कंपनीज के ऊपर कंपनीज एक्सेप्ट फाइनेंशियल कंपनीज। फाइनेंशियल कंपनीज को छोड़ के जितनी भी कंपनीज हैं उनके ऊपर इंडेस कैसे एप्लीकेबल होगा, एक डायग्राम बना लेते हैं और उसी डायग्राम पे सारी बातें खत्म हो जाएंगी। एक है वॉलेंट्री एप्लीकेशन, वॉलेंट्री एप्लीकेशन, एक है मैंडेटरी फेज वन, एक अप्रैल 2016, एक है मैंडेटरी फेज टू, ये 1 अप्रैल 2017। ये तीन डेट्स हैं कंपनीज के लिए, मतलब अदर देन नॉन फाइनेंशियल कंपनीज की बात कर रहा हूं। नोट हो गया? वॉलेंट्री एप्लीकेशन में देखेंगे कोई भी कंपनी अपनी मर्जी से 1 अप्रैल 15 से इंडेस अप्लाई कर सकती है, उसकी मर्जी है, उसके लिए कुछ और करने की आवश्यकता नहीं। एनी कंपनी जो एक्सेप्शन है उसको छोड़ के, एनी कंपनी मे फॉलो इंडेस फ्रॉम 1 अप्रैल 2015। ये वॉलेंट्री च्वाइस है। कौन सी च्वाइस है? वॉलेंट्री।
अपनी मर्जी से आप करना चाहते तो कर लीजिए। क्या 1 अप्रैल 15 से पहले कोई कंपनी अपनी मर्जी से इंडेक्स फॉलो कर सकती है? नहीं। 1 अप्रैल 15 इज द स्टार्टिंग पॉइंट, उससे पहले कोई कंपनी इंडेक्स अपनी मर्जी से फॉलो नहीं कर सकती। और अगर एक कंपनी ने फॉलो कर लिया तो सारी कंपनी जो उसके ग्रुप में है उसके ऊपर मैंडेटरी हो जाएगा। मेरी बात समझ आई? ऑल्सो पेरेंट, सब्सिडियरी, एसोसिएट्स एंड ज्वाइंट वेंचर ऑफ एबव एंटिटी शैल फॉलो इंडेस। तो इस बात का आपको ध्यान रखना है कि अगर आप इंडेस फॉलो कर रहे हैं तो आप अपने रिश्तेदारों को भी जोखिम में डाल सकते हैं, क्योंकि अगर एक के ऊपर अप्लाई हो गया तो पूरे ग्रुप के ऊपर इंडेस अप्लाई हो जाएगा। यह क्लेरिफिकेशन बोर्ड ने बाद में दिया, मिनिस्ट्री ने दिया बाद में। पहले यह आया था कि कोई भी कंपनी अप्लाई कर सकती, तो बोला कोई एक कंपनी कर ली तो ग्रुप में क्यों नहीं होगा, लेकिन अगर एक कंपनी इंडेक्स पे कर लेती है तो कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट कैसे बनेगा। इसलिए उन्होंने बाद में कह के दिया अगर एक करती है तो उसके सारी कंपनीज को करना पड़ेगा। वैसे सीए इंस्टीट्यूट ने एक बड़ा अजीब सा इंटरप्रिटेशन निकाला, वो क्वेश्चन करते समय आपको समझ आएगा, बट वो इंस्टीट्यूट के अपने ही इंटरप्रिटेशन है, उन इंटरप्रिटेशन का आज तक लॉजिक समझ नहीं आया, बट क्वेश्चन करते समय तो उनका मानना ही पड़ेगा। मैंडेटरी फेज वन, अगर आपने अपने आप फॉलो कर लिया वॉलेंट्रीली तब तो दिक्कत है ही नहीं, पर तो बात ही खत्म हो गई। फिर आपके ऊपर एक बार अप्लाई हो गया और नीचे नोट में लिखेंगे कि इंडेस एक बार जब अप्लाई हो जाता है तो एग्जिट रूल नहीं है। एक बार आपने अप्लाई कर लिया मतलब अप्लाई हो गया, अब देर इज नो एग्जिट रूल। अगर आपने नहीं किया तो अब हम आपके ऊपर मैंडेटरी करने वाले हैं। कब? अगर आपकी नेटवर्थ 500 करोड़ या उससे ज्यादा है, एनी कंपनी, ये लिस्टेड अनलिस्टेड कुछ भी हो, एनी कंपनी हैविंग नेटवर्थ 500 करोड़ और मोर सेल अप्लाई इंडेस फ्रॉम 1 अप्रैल 2016। और अगर एक पे हो जाएगा, अगर एक पर हो जाएगा तो होल्डिंग सब्सिडियरी एसोसिएट ज्वाइंट वेंचर उन पे तो होना ही है, यानी पेरेंट, सब्सिडियरी, एसोसिएट्स एंड ज्वाइंट वेंचर, इनके ऊपर मैंडेटरी है। पेरेंट, सब्सिडियरी, एसोसिएट और ज्वाइंट वेंचर, इनके ऊपर अप्लाई करना ही पड़ेगा ऑफ अबव। आपको इस बात का ध्यान रखना है दोस्त कि अगर एक कंपनी ग्रुप में फॉलो कर लेगी तो बाकी सारी कंपनीज के लिए भी मैंडेटरी हो जाएगा। और 1 अप्रैल 16 को नियम यह है कि आपकी नेटवर्थ 500 करोड़ या उससे ज्यादा हो, आप लिस्टेड हैं, लिस्टिंग में हैं, नहीं है, उससे कोई लेना देना नहीं। अब आपके मन में यह सवाल आएगा कि नेटवर्थ कब की देखनी पड़ेगी, तो यहां पर गाइडेंस बहुत क्लियर है। नेटवर्थ चाहे 31 मार्च 14 की या 31 मार्च 15 की या 31 मार्च 16 की, इन तीनों में से किसी भी डेट की अगर नेटवर्थ 500 करोड़ और मोर हो गई तो आपको यहां अप्लाई करना पड़ेगा। आगे चल के हम इमीडिएट बैक पिछले फाइनेंशियल ईयर का देखते हैं, बात समझ आई? लेकिन पहली बार एप्लीकेशन के लिए उन्होंने कहा 2014 के 31 मार्च को या 2015 के 31 मार्च को या 2016 के 31 मार्च को, किसी भी डेट पे अगर नेटवर्थ 500 करोड़ और मोर है तो आपके ऊपर इंडेक्स लगेगा। जैसे मान लो 31 मार्च 14 के आपकी नेटवर्थ है 600 करोड़,
31 मार्च 15 को घट भी गई, 31 मार्च 16 को नहीं भी है, तब भी आपको लगना पड़ेगा। मतलब इन तीनों में से किसी भी डेट की अगर नेटवर्थ स्पेसिफाइड कोटे से ऊपर चली गई तो आपके ऊपर इंडेस एप्लीकेबल फर्स्ट टाइम हो जाएगा। बात समझ आई? 1 अप्रैल 17 से इन्होंने और भी थोड़ा घटा दिया। अब ये कहते हैं कि अगर आप लिस्टेड कंपनी हैं या लिस्टिंग के प्रोसेस में हैं तो आपके ऊपर नेटवर्थ रेलेवेंट ही नहीं है। आपका लिस्टिंग होना या लिस्टिंग के प्रोसेस में जाना अपने आप इंडेस को ट्रिगर करता है। मतलब अगर आप लिस्टेड हैं या लिस्टिंग के प्रोसेस में हैं तो आपकी नेटवर्थ कुछ भी हो आपके ऊपर इंडेस मैंडेटरी है। लेकिन अगर आप अनलिस्टेड हैं और आपकी नेटवर्थ 250 करोड़ या उससे ज्यादा है तो आपके ऊपर 17 से मैंडेटरी हो जाएगा। आप 16 में बच गए तो बच गए, अब नहीं बच पाएंगे। 250 करोड़ से नीचे जिसकी नेटवर्थ है और वह अनलिस्टेड कंपनी है उनके ऊपर इंडेस मैंडेटरी नहीं है। हां, अगर एक बार आपने वॉलेंट्री फॉलो कर लिया तो फिर आपके ऊपर मैंडेटरी हो जाएगा। क्या यह बात समझ आई? इस बात को भी लिखिए। कंपनी, यह सीधा लिखो, एनी कंपनी विच इज लिस्टेड और इन प्रोसेस ऑफ लिस्टिंग इन इंडिया और आउटसाइड इंडिया आपकी लिस्टिंग कहीं भी हो, इंडिया में हो या इंडिया के बाहर हो, अगर 1 अप्रैल 16 को आप बच गए थे तो 1 अप्रैल 17 को आप फंस चुके हैं। अनलिस्टेड कंपनी, और जब मैं कंपनी बोल रहा हूं तो आप यह मान के चलेंगे कि फाइनेंशियल कंपनी को मैंने एग्जम्प्ट कर रखा है। अनलिस्टेड कंपनी हैविंग नेटवर्थ 250 करोड़ और मोर, और एक चीज तो आपने रट ही रखा है, वो चीज क्या है? अगर एक पे एप्लीकेबल हुआ तो पूरे ग्रुप पे हो जाएगा। मतलब पेरेंट, सबसिडियरी, एसोसिएट्स एंड ज्वाइंट वेंचर ऑफ एबव, पेरेंट, सबसिडियरी, एसोसिएट एंड ज्वाइंट वेंचर ऑफ एबव। क्या यह बात आपको याद रहेगी? तो यह है इंडेस का रूल उन कंपनीज के लिए जो कंपनीज एक्ट में रजिस्टर्ड हैं लेकिन वो फाइनेंशियल कंपनीज नहीं है। मतलब अदर देन फाइनेंशियल कंपनीज हैं तो उनके ऊपर ये रूल एप्लीकेबल हो गया। क्या ये बात क्लियर हो गई? अब इससे रिलेटेड कुछ नोट आपको लिखने। नेटवर्थ कब की चेक करेंगे? लिखिए नोट्स। For first time, net worth of 31 March 2014 या 31 March 2015 या 31 March 2016 shall be evaluated। अगर किसी भी डेट की नेटवर्थ इन तीनों में से स्पेसिफाइड लिमिट से बढ़ जाएगी आप इंडेस अप्लाई कर देंगे। नंबर दो, देयर इज
नो एग्जिट रूल, कोई एग्जिट रूल नहीं है, मतलब वंस इंड इज अप्लाइड शुड बी फॉलोड कंसिस्टेंटली। एक बार अगर इंड एस अप्लाई हो गया तो ये कभी भी दोबारा फिर एस में वापस नहीं आ सकते। इसलिए अगर आप वॉलेंट्री अप्लाई कर रहे हैं तो सोच समझ के अप्लाई करें। बात समझ आई? नेटवर्थ मस्ट बी ऑडिटेड एंड चेक्ड ओनली एट 31 मार्च, कैलकुलेटेड एज फॉलोज। नेटवर्थ जो आप चेक करेंगे दोस्त, वो सिर्फ 31 मार्च को चेक करेंगे। ऐसा नहीं कि ड्यूरिंग द ईयर कुछ गड़बड़ गया तो देखेंगे, तब तो हो गया, डेली यही करते रह जाएंगे। इसलिए 31 मार्च को चेक करते नेटवर्थ क्राइटेरिया क्या है, और ये ऑडिटेड होना चाहिए। आप बोलेंगे बट 31 मार्च को ऑडिटेड तो होगा नहीं, 31 मार्च के लिए ही ऑडिटिंग होती है, तो ऑडिटिंग विद रेफरेंस लेते हैं। भले सेप्टेंबर में ऑडिट कर रहे हैं बट कर तो 31 मार्च का ही रहे, तो नेटवर्थ मस्ट बी ऑडिटेड। और इसमें क्या क्या ऐड करते हो देखना, पेड अप शेयर कैपिटल, रिटेन्ड अर्निंग, सिक्योरिटी प्रीमियम, ऑल रिजर्व क्रिएटेड आउट ऑफ प्रॉफिट, सारा रिजर्व जो प्रॉफिट से क्रिएट हुआ, फिक्टिशियस एसेट्स अगर कुछ होगा तो आप माइनस कर देंगे। ऐसे नेटवर्थ क्रिएट करते हैं। नेटवर्थ की जो कैलकुलेशन होती है वो सेक्शन 2 क्लॉज 57 जो कंपनी एक्ट में दे रखा है उसके हिसाब से ही हम कैलकुलेट करते हैं। इसके लिए अलग से इन डेज में कोई रूल नहीं लिखा है। याद रखेंगे रिवैल्यूएशन रिजर्व कभी भी नेटवर्थ का पार्ट नहीं होता, क्योंकि वो अनरियलाइज्ड होता है। रिवैल्यूएशन रिजर्व इज नॉट पार्ट ऑफ नेटवर्थ। रिवैल्यूएशन रिजर्व नेटवर्थ का पार्ट नहीं है, याद रहेगा आपको। अगर आपके पास में कोई सब्सिडियरी कंपनी फॉरेन में है और पेरेंट कंपनी इंडिया में, या वाइस वर्सा, पेरेंट फॉरेन में है और सब्सिडियरी इंडिया में, तब आप इंडेस का इंप्लीमेंटेशन कैसे करेंगे? नंबर 4, पेरेंट और सब्सिडियरी इन फॉरेन कंपनी, सॉरी फॉरेन कंट्री, तो यहां पे इसको दो हिस्से में बांट देंगे, फॉरेन पेरेंट या फॉरेन सब्सिडियरी।
फॉरेन पेरेंट, फॉरेन सब्सिडरी, अगर पेरेंट फॉरेन हो, पेरेंट क्या हो फॉरेन, तो सब्सिडरी की अकाउंटिंग किसके हिसाब से बनेगी? सब्सिडियरी इंडिविजुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट एज पर इंड एस फॉर कंसोलिडेशन सब्सिडियरी विल प्रोवाइड इंफॉर्मेशन टू पेरेंट फॉर कंसोलिडेशन, सब्सिडियरी विल प्रोवाइड इंफॉर्मेशन टू पेरेंट एज पर लोकल गैप। चूंकि सब्सिडरी कंपनी इंडिया में है तो सब्सिडरी कंपनी अपना फाइनेंशियल स्टेटमेंट यानी इंडिविजुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट तो एज पर इंड एस ही बनाएगी। हो गया नोट? जो सब्सिडरी की अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट है यानी इंडिविजुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट वो तो एज पर इंड एस ही बनानी पड़ेगी, लेकिन आपका आपके पेरेंट को आपको कंसोलिडेट भी करना है फॉरेन में तो उनको जितनी जरूरत है उतना इंफॉर्मेशन वहां पे जो गैप एप्लीकेबल हो रहा है उसके हिसाब से। तो जैसे मान लो यूरोप में, यूके में है, वहां पे आईएफआरएस लग रहा है तो उतना इंफॉर्मेशन आप आईएफआरएस के हिसाब से दे दो। यही फायदा है आईएफआरएस अप्लाई करने का, इंड एस भी आईएफआरएस ही है। तो अगर आपकी फॉरेन यूरोप में भी कोई सब्सिडरी है तो आप जो इंफॉर्मेशन इंड एस वाला वही उठा के दे दोगे तब भी आईएफआरएस वाला बन जाएगा। तो यही ग्लोबल स्टैंडर्ड का फायदा है। और अगर फॉरेन में सब्सिडरी हो तो पेरेंट के इंडिविजुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट, पेरेंट इंडिविजुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट एज पर इंड एस पेरेंट के इंडिविजुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट एज पर इंड एस जाएंगे। बोलो यस और नो। और सब्सिडियरी विल प्रोवाइड इंफॉर्मेशन एज पर इंड एस फॉर कंसोलिडेशन सब्सिडरी विल प्रोवाइड इंफॉर्मेशन एज पर इंड एस फॉर कंसोलिडेशन। क्या आपको यह याद रहेगा? मैं ये नहीं कह रहा हूं कि सब्सिडरी का फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाएंगे एज पर इंड एस, सब्सिडरी की फाइनेंशियल स्टेटमेंट जैसे वैसे बनेगी, हाँ या ना, बट उनको इंफॉर्मेशन देना पड़ेगा कंसोलिडेशन के लिए। किसके हिसाब से? इंड एस, क्योंकि कंसोलिडेशन तो इंडिया में होना है। बात समझ आई? अब जो रूल है उस रूल में यह लिखा है कि जो एप्लीकेशन होगा वो होगा सब्सिडरी एसोसिएटेड ज्वाइंट वेंचर पे। जो सीए इंस्टीट्यूट है उसने एक कमेटी बना रखी है आईटीएफजी, इंड एस ट्रांजिशन फैसिलिटेशन कमेटी या ग्रुप, और इन्होंने क्या अजीब इंटरप्रिटेशन किया आप सोच भी नहीं सकते। वो क्या इंटरप्रिटेशन करते हैं कि लॉ में लिखा है यानी रूल में लिखा है सब्सिडरी, इसलिए फेलो सब्सिडरी पे इंड एस अप्लाई नहीं होगा। आईटीएफजी के नियम को मानना, इंटरप्रिटेशन को मानना इंडस्ट्री के लिए रेलेवेंट नहीं है, बट आपके लिए रेलेवेंट हो सकता है। तो वहां पे वो जो सब्सिडरी है
और जो फेलो सब्सिडरी है उसमें अंतर क्रिएट करते हैं। वो कहते हैं कि जो सब्सिडरी है उसके ऊपर तो इंडेक्स लगेगा अगर पेरेंट पे लग गया तो, लेकिन फेलो सब्सिडरी की मर्जी हो लगाए या ना लगाए। वैसे ये कोड़ा इंटरप्रिटेशन है, इस तर्क का कोई आधार नहीं है, बट वो क्वेश्चन करना है तो क्वेश्चन आपको उसमें वो चीज वैसे ही करनी पड़ेगी। ये क्वेश्चन वाले पार्ट में हम अंडरस्टैंड करेंगे, वो रूल का पार्ट नहीं है। ऐसी चीज आप किसी को इंडस्ट्री में गाइडेंस नहीं देंगे, उनका दिमाग तो हिल ही गया है, क्या अजीब अजीब इंटरप्रिटेशन दे देते हैं कि भाई सब्सिडरी नहीं लिखा, सिर्फ लिखा है तो फेलो सब्सिडरी नहीं होगा, ये कोई तर्क नहीं है, बट उन्होंने दिया है तो ठीक है, एग्जाम में तो मानना ही पड़ेगा। बात समझ आई? तो क्वेश्चन में मैंने वो चीज डिक्टेट करवा दी है बट यहां पे नहीं। ये बात आपको यहां पे क्लियर है? बोलो। अब मैं चलता हूं आगे। दूसरा जो रूल आया वो दूसरा रूल आया नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनी पे। एक चीज और भी याद रखेंगे, जो कंपनी इन डेज फॉलो नहीं करेगी उनके ऊपर एस लगता रहेगा। ये भी लिख लीजिए, कंपनी नॉट कवर्ड बाय इन डेज रूल शैल फॉलो एस। जो कंपनी इन डेज फॉलो नहीं करती वो कंपनी क्या फॉलो करेगी? एस। क्या ये बात समझ आई? बोलो हां या ना। और एक चीज और भी है, जो मैंने ऊपर लिस्टेड और लिस्टिंग बताया है वो नॉर्मल जो बड़ी एक्सचेंज है उसकी बात कर रहे हैं। अगर कोई चीज एमएसएमई में लिस्टेड है, यानी मीडियम स्टॉल एसएमई एक्सचेंज में है, तो एसएमई एक्सचेंज का यहां पे कोई लेना देना नहीं है। अगर नहीं एनएससी बीएससी में, तब तो बड़े स्टॉक एक्सचेंज में है। अगर कोई आप बीएससी एसएमई एक्सचेंज है तो एसएमई एक्सचेंज वाला यहां पे इंडेक्स के लिए एप्लीकेशन के लिए रेलेवेंट नहीं है। लिस्टिंग डज नॉट मीन लिस्टिंग इन एसएमई एक्सचेंज, यानी स्मॉल मीडियम एक्सचेंज वाली लिस्टिंग यहां पे काम नहीं करती, इसका आपको ध्यान रखना है। क्या यह बात क्लियर है? बोलिए। अब अगले पॉइंट पे चलिए, एनबीएफसी पे एप्लीकेशन कैसे करें। बस होने ही वाला है, खत्म ही होने वाला है। एप्लीकेशन ऑफ इंडेस ऑन एनबीएफसी एप्लीकेशन ऑफ इंडेस ऑन एनबीएफसी यहां पे दो ही डेट है। इसमें कोई वॉलेंट्री एप्लीकेशन नहीं है परमिटेड। एक है 1 अप्रैल 2018 और एक है 1 अप्रैल 2019। एक अप्रैल 18 को है, एनबीएफसी हैविंग नेटवर्थ 500 करोड़ और मोर, सेम वही जो कंपनी में था, बस डेट डिफरेंस हो गया। बात समझ आई? एनबीएफसी हैविंग नेटवर्थ 500 करोड़ और मोर, और ये बात तो आप जानते हैं, पेरेंट सब्सिडरी एसोसिएट्स एंड ज्वाइंट वेंचर ऑफ अबव। इसमें आपको कोई चीज लिमिट वगैरह याद नहीं करनी, सिर्फ डेट चेंज कर देना है। कंपनी में 1 अप्रैल 2016 से मैंडेटरी था, इसमें 1 अप्रैल 2018 से मैंडेटरी हुआ, लिमिट सब कुछ सेम है। और 1 अप्रैल 2019 से फिर वही लिस्टेड
एनबीएफसी और एनबीएफसी इन प्रोसेस ऑफ लिस्टिंग। कोई एनबीएफसी लिस्टेड है या लिस्टिंग के प्रोसेस में है, इंडिया में हो इंडिया के बाहर हो, इससे कोई लेना देना नहीं है। अनलिस्टेड एनबीएफसी हैविंग नेटवर्थ 250 करोड़ और मोर, पेरेंट सब्सिडियरी एसोसिएट्स एंड ज्वाइंट वेंचर ऑफ अबव। मतलब सारी चीजें सेम है, बस डेट में डिफरेंस आ गया, बाकी सब कुछ क्या हो गया, सेम। बात समझ आई? बस सारे जो नियम आपने पहले पढ़े कंपनीज में सब यहां अप्लाई होगा। बस एक चीज ध्यान रखना है कि एनबीएफसी वॉलेंट्री अप्लाई नहीं कर सकती, कंपनी वॉलेंट्री भी अप्लाई कर सकती है, हां या ना? और जो एनबीएफसी नहीं अप्लाई करेगी इंड एस, उनके ऊपर क्या लगेगा, एस। तो कहने का यह मतलब है कि अगर आप एनबीएफसी हैं और 250 करोड़ से कम नेटवर्थ की है और आप लिस्टेड या लिस्टिंग के प्रोसेस में नहीं है तो आप सिर्फ एस फॉलो कर सकते हैं, आपके ऊपर इंडेस नहीं। बैंक के ऊपर अभी मैं बात अलग करूंगा, ये एनबीएफसी का नियम है। वॉलेंट्री ऑप्शन नॉट अवेलेबल फॉर एनबीएफसी। एनबीएफसी के लिए कोई वॉलेंट्री ऑप्शन अवेलेबल नहीं है। एनबीएफसी नॉट कवर्ड बाय इंड एस शैल फॉलो एस। इसीलिए इंडिया में अभी तक अकाउंटिंग स्टैंडर्ड रेडंडेंट नहीं हुआ, क्योंकि अभी भी अगर आप ध्यान दें तो सिलेक्टेड जगहों पे ही एप्लीकेबल हो रहा है इंडेस। अभी उसको और ब्रॉड करने की आवश्यकता है, ओवर द पीरियड गवर्नमेंट इसके लिए अलग से नोटिफिकेशन बनाएगी। बात समझ आ गई? क्लियर। अब हम चलते हैं म्यूचुअल फंड। 1 अप्रैल 2023 से सेबी ने सारे म्यूचुअल फंड के ऊपर इंडेस मैंडेटरी कर दिया है, तो उसमें कोई लिमिट उमिट है ही नहीं, जो भी म्यूचुअल फंड है उसके ऊपर इंडेक्स मैंडेटरी, तो एक ही लाइन में आपका काम निकल जाएगा। म्यूचुअल फंड, ऑल म्यूचुअल फंड शैल फॉलो इंडेस फ्रॉम 1 अप्रैल 2023। जितने भी म्यूचुअल फंड हैं सब 1 अप्रैल 2023 से इंडेस फॉलो करेंगे, मतलब उनके लिए मैंडेटरी कर दिया गया है। उनके पास ना कोई च्वाइस है, ना कोई ऑल्टरनेट है, ना कोई डेफरमेंट है, ना कम ज्यादा है, सब पे। अब सवाल आ गया बैंक और इंश्योरेंस पे। आज के डेट तक सरकार ने बैंक और इंश्योरेंस एंटिटीज के ऊपर इंडेस मैंडेटरी नहीं किया है, मतलब अभी तक इंडेस उनके ऊपर मैंडेटरी नहीं हुआ है। इस बात की एक्सपेक्टेशन है, हाई एक्सपेक्टेशन है कि 2025 तक या 2025 से इंश्योरेंस और बैंक पे इंडिया में इंडेस एप्लीकेबल हो जाएगा, बट अभी तक फिलहाल कुछ भी नहीं।
आगे भी हो या ना हो कह नहीं सकते, अब बहुत कम समय बचा हुआ है। इस बात की काफी उम्मीद थी कि इस बार हो जाएगा, बट जो करंट गवर्नमेंट है वो माइनॉरिटी में आ गई है। अब माइनॉरिटी गवर्नमेंट इतने बड़े डिसीजन इंप्लीमेंट करा पाएगी या नहीं, ये कहना अलग है। वैसे इन सब जगहों में फाइनेंशियल मैटर में बहुत ज्यादा कोई बहस की गुंजाइश नहीं होती, तो हो सकता है अप्लाई हो भी जाए। बैंक्स एंड इंश्योरेंस लिखने के लिए तो हमारे पास सिर्फ इतना ही है, इन डेस नॉट एप्लीकेबल। तो ये था दोस्त टोटल मिलाकर के इन डेस रूल। बैंक्स और इंश्योरेंस के ऊपर इन डेस के इंप्लीमेंटेशन में बहुत सारे चैलेंजेज हैं, बहुत सारे चैलेंजेज को सॉर्ट आउट किया गया है, बहुत अभी सॉर्ट आउट होना बाकी है। सबसे बड़ा चैलेंज है तो बैंकिंग का कानून और इंश्योरेंस का कानून, जिसमें बदलाव की जरूरत है। उसके अलावे दो बड़े यहां पे स्ट्रांग इंप्लीमेंटेटर हैं, जो रेगुलेटर हैं, बैंक्स के लिए RBI और इंश्योरेंस के लिए IRDA, उनसे भी कॉन्ट्रास्ट कर रहे हैं, उनके भी ईगो इशूज है इन इंडेस के इंप्लीमेंटेशन को लेकर के। तो ये बड़ी सारी चीजें हैं जिसके ऊपर सरकार अभी काम कर रही है, और उम्मीद है कि जल्दी ही इनके इन जगहों पे भी नोटिफिकेशन आ जाए। बात समझ आई? तो ये था इंडेस रूल। और एक पॉइंट मैं और भी पढ़ा देता हूं कि अब जब इंडस्ट्री में आप इंडेस को अप्लाई करेंगे, तो जो इंडेस अप्लाई होता है विद रेफरेंस टू लॉ होता है, तो किसको कैसे प्रेफरेंसेज मिले, इसके बारे में भी आप लिख लीजिए। नेक्स्ट पॉइंट बताइए मुझे कौन सा है। तीन हो गया था, चार, चार को लिख देते हैं, ऑर्डर ऑफ अथॉरिटी। ऑर्डर ऑफ अथॉरिटी क्या है? सबसे ज्यादा ताकत है प्रेफरेंस वन, लोकल लॉ। चूंकि हम बात कॉमर्स और प्रोफेशन की कर रहे हैं, तो स्पेसिफिकली कंपनी लॉ। प्रेफरेंस दो, इंडेस। प्रेफरेंस तीन, शेड्यूल थ्री। सीधा आप शेड्यूल लिखेंगे, शेड्यूल टू भी अप्लाई होता है, डेप्रिसिएशन का है, शेड्यूल थ्री भी अप्लाई होता है। तो शेड्यूल में अगर कोई चीज लिखी हुई है तो इन डेज को ओवरराइड नहीं कर सकता। मेरी बात समझ आ रही? लेकिन लॉ और अगर इन डेज कंट्राडिक्ट कर गए तो लॉ को प्रिवेल करना पड़ेगा। आप बोलेंगे शेड्यूल भी तो लॉ में ही होता है, शेड्यूल लॉ में जरूर होता है लेकिन वो लॉ का पार्ट नहीं। और ऐसी ताकत क्यों दी गई हो देखना, जो लोकल लॉ है वो पार्लियामेंट बनाता है, और पार्लियामेंट जनरल लोगों की आवाज है, इसलिए लोकल लॉ में 140 करोड़ लोगों की ताकत लगी। लेकिन जब इंडेस बनता है तो सिलेक्टेड लोगों के रिव्यू से बनता है, वो भी पब्लिक की आवाज, लेकिन वो पर्टिकुलर सेक्टर स्पेसिफाइड लोगों की है। लेकिन शेड्यूल तो ये सरकारी अनाउंसमेंट है, कोई भी ऑफिसर आए, आज मुझे ये चाहिए, कल ये दे दो, परसों ये दे दो। तो शेड्यूल इज ए टाइप ऑफ रूल, लॉ जो एक कानून है जो पूरे देश ने मिलकर बनाया है, और इन डेज एक प्रिंसिपल है जो हमें स्टैंडर्ड पे अप्लाई करते हैं। तो अगर कभी भी कॉन्ट्राडिक्शन हो तो आप इसी ऑर्डर में फॉलो करेंगे, नहीं कॉन्ट्राडिक्शन है तो कोई दिक्कत की बात नहीं। बात समझ आई? तो ये था हमारे पास इंट्रोडक्शन का चैप्टर जो अब इंस्टीट्यूट ने इंक्लूड कर दिया है। इसमें क्वेश्चन हम इसी के साथ कर रहे हैं, फर्स्ट लेक्चर में क्वेश्चन साथ में है जैसा मैंने आपको पहले बताया था। बाकी सारे लेक्चर्स में क्वेश्चन के जो वीडियोज होते हैं अलग, और जो कॉन्सेप्ट के वीडियोज होते हैं वो अलग अलग रहते हैं। और हम जो आगे पढ़ना शुरू करेंगे वो शुरू करेंगे एसेट्स बेस्ड स्टैंडर्ड से, मतलब हम इसके बाद फ्रेमवर्क या प्रेजेंटेशन जैसे इंस्टीट्यूट के स्टडी मटेरियल में दे रखा है वैसे नहीं कर रहे हैं। उसके रीजंस क्या हैं कि जब आप फाइनेंशियल स्टेटमेंट के अलग अलग एलिमेंट्स की स्टडी कर लेंगे तब उसका प्रेजेंटेशन कैसे होता है वो दिखाना ज्यादा बेटर होगा।
इंस्टीट्यूट अपनी किताब अपने हिसाब से लिखते, किताब तो जो भी लिखेगा उसी ऑर्डर में लिखना पड़ेगा। बट आप इंडेस वन पढ़ रहे हैं, अब इंडेस वन में सारे आइटम्स दिख रहे, कौन से आइटम कहां कहां दिखाने, उन आइटम्स के नाम भी नहीं जानते अभी तक आप। तो जब वो स्टैंडर्ड पढ़ के फिर हम उसको पढ़ेंगे, यानी कॉन्सोलिडेशन करने से पहले अगर पढ़ लेंगे तो तब तक हमारे पास सारे स्टैंडर्ड की जानकारी हो जाएगी और वो जो आइटम और जो क्लॉज लिखे हैं उनकी अंडरस्टैंडिंग हमारी बेटर होगी। तो हम ये फर्स्ट लेक्चर के बाद सीधा चलेंगे इंडेस एंड एसेट्स पे, और हमारा जो दूसरा लेक्चर होगा वो इन्वेंट्री का है। बट बीच में शेड्यूल थ्री डिवीजन वन, जिसके बेसिस पे आप इंटरमीडिएट में एज पर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बना रहे थे, और शेड्यूल थ्री डिवीजन टू जो एज फाइनल के अंदर आप जिसके ऊपर फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाएंगे, तो शेड्यूल थ्री डिवीजन टू का एक घंटा हमने स्पेसिफिकली बस आइटम के अरेंजमेंट को समझाने के लिए लिया है। उसका सिर्फ आपको रेफरेंस देना है, मेरी बात समझ आ रही, उसको कोई लिखने या पढ़ने या कोर्स का पार्ट नहीं बनाना है। उससे आपको सिर्फ यह समझ आएगा कि वो रिसफल कैसे होता है, बात समझ आ रही, कौन सी चीजें कहां पे दिखाई जाती, और फिर स्टैंडर्ड पे आगे कंटिन्यू हो जाना है। अब देखते हैं क्वेश्चंस। सर क्वेश्चंस में भी ये हेडिंग्स लगे हुए हैं, तो मैंने आपको पहले ही बताया था कि जो क्वेश्चंस हमारे पास हैं उसके वीडियोज हम हर चैप्टर में अलग बनाते हैं। उसका फायदा आपको ये होगा कि जब आप रिवीजन के टाइम जाएंगे तो रिवीजन के समय अगर आपको सिर्फ क्वेश्चन क्वेश्चंस देखने हो तो उसके लेक्चर्स अलग होंगे, तो उसका आपको समय बचेगा। तो अभी क्वेश्चन कर लेते हैं इंट्रोडक्शन टू इंडेस में। इसमें कम क्वेश्चंस हैं, 10 क्वेश्चन के आसपास हैं, और वो 10 के 10 क्वेश्चंस मैं आपको यहाँ कवर कराऊंगा। जिन जिन क्वेश्चन की जरूरत पड़ेगी मैं यहाँ पे आपको लिखवाऊंगा भी कि एग्जाम में कैसे प्रेजेंट करना है, और जिन क्वेश्चंस को जरूरत नहीं पड़ेगी वो क्वेश्चंस आप खुद कर लेंगे। चलें, देखिए क्वेश्चन नंबर वन पे चलते हैं। ये पूरा का पूरा इंडेस जो रूल है उसके एप्लीकेशन पे है, मतलब नॉर्मली जो इस बारे चैप्टर से क्वेश्चन इंस्टीट्यूट ने बनाए हैं वो इंडेस रूल के एप्लीकेशन पे बनाए हैं। तो फॉलोइंग इज द स्नैपशॉट ऑफ ऑडिटेड बैलेंस शीट ऑफ कंपनी ऑन 31st March 2014। कंपनी ए इक्विटी शेयर्स आर लिस्टेड ऑन बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज सिंस 2010, मतलब 2010 से ही आप लिस्टेड कंपनीज हैं। तो आप बोलेंगे सर लिस्टेड कंपनी है तो इंडेस तो इसके ऊपर ऐसे ही लग जाएगा। तो लिस्टेड कंपनी की वजह से इंडेस जो लगना शुरू हुआ 1 अप्रैल 2017 से हुआ, 1 अप्रैल 2016 से है वो नेटवर्थ के बेसिस पे है। तो देखते हैं क्या है यहाँ, इक्विटी शेयर कैपिटल सिक्योरिटी प्रीमियम, मतलब इक्विटी शेयर कैपिटल भी जो है आपका वो नेटवर्थ का पार्ट है, अभी मैंने लिखाया आपको। सिक्योरिटी प्रीमियम भी नेटवर्थ का पार्ट है, जनरल रिजर्व भी है, लेकिन रिवैल्यूएशन रिजर्व नेटवर्थ का पार्ट नहीं है, और पीएल अकाउंट नेटवर्थ का पार्ट है। एसेट साइड में एक मिसलेनियस एक्सपेंडिचर है जो इससे माइनस हो जाएगा। कह रहे एज पर द रोड मैप विच फेज कंपनी ए फॉल। अब ये करने के लिए पहले हमें नेटवर्थ कैलकुलेट करना पड़ेगा इस क्वेश्चन में। तो देखिए वैसे तो आंसर लगा हुआ है यहाँ पे, नेटवर्थ भी कैलकुलेशन हो गई है, सब कुछ लगा हुआ है, बट मैं इस क्वेश्चन का आंसर आपको लिखवाना चाहता हूँ ताकि आपको पता लगे कि अगर एग्जाम में एक क्वेश्चन आता है तो इसको हम कैसे प्रेजेंट करेंगे। देखिए इसके जो पीडीएफ भी रहेंगे वो अलग रहेंगे ताकि जो भी चाहे उसको सिर्फ क्वेश्चन आंसर के पर्पज से यूज कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर वन, नेटवर्थ एज एट 31st March 2014, नेटवर्थ एज एट 31st March 2014, अगर यहां पे देखेंगे नेटवर्थ क्राइटेरिया तो आप इक्विटी शेयर कैपिटल सिक्योरिटी प्रीमियम जनरल रिजर्व, इक्विटी शेयर कैपिटल सिक्योरिटी प्रीमियम आप भी साथ साथ लिखते रहिए, जनरल रिजर्व, इक्विटी शेयर कैपिटल 160, सिक्योरिटी प्रीमियम 200, और जो जनरल रिजर्व है वो है 150, पीएल अकाउंट है 75।
प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और एक मिसलेनियस एक्सपेंडिचर है फिक्टिशियस में। पीएल अकाउंट है 75, मिसलेनियस एक्सपेंडिचर है 80। अगर इस नेटवर्थ का टोटल करेंगे तो ये नेटवर्थ आपका बनेगा, कैलकुलेटर एक बार चला लीजिए, ये नेटवर्थ आपका आ रहा है 505। नेटवर्थ 505, ऑब्वियसली क्रोर्स में है ये। अब इस क्वेश्चन में दो चीजें पूछी गई हैं। नंबर वन कि क्या कंपनी ए पे कब से इंडेस एप्लीकेबल होगा, एप्लीकेशन ऑफ इंडेस ऑन कंपनीज इफ लिस्टेड। अगर ये कंपनी लिस्टेड है तो इंडेस कब से अप्लाई होगा, कंपनी सेल अप्लाई इंडेस फ्रॉम एक अप्रैल 2016 बिकॉज नेटवर्थ एक्सीड्स रुपीज 500 crores। आप जानते हैं कि अगर नेटवर्थ 500 करोड़ से ज्यादा हो गया तो इंडेक्स 1 अप्रैल 16 से ही एप्लीकेबल हो जाएगा। यहां पे लिस्टेड या लिस्टेड नहीं होने से कोई फर्क नहीं पड़ता, इसलिए दोबारा क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है कि बताओ क्या होता अगर ये कंपनी अनलिस्टेड होती, तब भी कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि नेटवर्थ 500 करोड़ से ज्यादा हो गया है और 1 अप्रैल 16 में क्राइटेरिया नेटवर्थ है, लिस्टिंग कोई क्राइटेरिया ही नहीं। तो यहां पे एप्लीकेशन ऑफ इंडेस इफ कंपनी ए इज नॉट लिस्टेड। अगर कंपनी ए लिस्टेड नहीं है तो इंडेस का एप्लीकेशन कैसे होगा, देखिए चूंकि नेटवर्थ 500 करोड़ से पार हो गया इसलिए लिस्टिंग होना या ना होना इरेलेवेंट है, सिंस नेटवर्थ एक्सीड्स रुपीज 500 crores, हेंस देयर इज नो डिफरेंस ऑन एप्लीकेशन ऑफ इंडेस If company is not listed, it means Ind AS is still applicable from 1 अप्रैल 2016। अब कई बार स्टूडेंट्स मुझे ये भी कहते हैं कि सर हमने वही लिटरेचर अगर नहीं डाला जो इंस्टीट्यूट के आंसर में है तब तो मैं पास होऊंगा नहीं। अभी क्या है, ये भी एक प्रॉब्लम ही बन गया है।
ऐसे लोगों के मन में मिसकंसेप्शन, ऐसा कोई भी नहीं कि इंस्टीट्यूट का आंसर रट के जाए और एजिटीज दे दे, तो फिर ये चीज़ें दिमाग में क्यों आ जाती है? इन चीज़ों का दिमाग में आने का रीजन होता है कि हम फैक्ट्स को गलत तरीके से इंटरप्रेट कर लेते हैं। किसी के बस की बात नहीं कि इंस्टीट्यूट का आंसर एजिटीज छाप दे, मैं भी जाऊंगा तब भी नहीं, क्योंकि चीज़ें तो बदलेंगी, कोई इतना रट नहीं सकता। तो आप इस बात का विश्वास रखिए कि अगर आपने फैक्ट सही लिखे हैं तो आपको पूरे नंबर मिल जाएंगे। कभी कभार एक आधा केस आ जाता है, उसको बेंचमार्क बना करके अपने दिमाग में फीड ना करें, क्योंकि हम चाह करके भी इंस्टीट्यूट के सारे आंसर रट नहीं सकते। हम लिखेंगे तो उसको अपने लैंग्वेज में ही लिखेंगे। हाँ, कोशिश ये करनी चाहिए कि जितने फैक्ट्स हों वो फैक्ट्स में हम कोई बदलाव ना करें। तो बताइए, क्या ये क्वेश्चन समझ आ गया? चलूँ अगले क्वेश्चन पे। वैसे भी इस क्वेश्चन में कुछ था नहीं, बिल्कुल सिंपल था। चूंकि नेटवर्थ बढ़ गया है इसलिए इंडेक्स एप्लीकेबल हो गया। अब नेटवर्थ एक बार 500 करोड़ के पार हो गया तो फिर लिस्टेड और अनलिस्टेड का कोई मतलब रहता ही नहीं। तो ये सिंपल स्ट्रेट क्वेश्चन था। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 2 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, अगर जरूरत पड़ेगी आंसर लिखने की तो लिखेंगे, अगर एक लाइन में जरूरत पड़ेगी तो एक लाइन में लिख देंगे। इन क्वेश्चन नंबर 1, द बैलेंस ऑफ प्रॉफिट लॉस अकाउंट इज -375 करोड़, व्हेन इन डेज शुड बी एप्लीकेबल टू कंपनी ए, विल योर आंसर चेंज इफ कंपनी इज अनलिस्टेड। अगर आपका पीएल अकाउंट पॉजिटिव के बजाय 375 करोड़ नेगेटिव हो तो वैसे केस में आपका नेटवर्थ चेंज हो जाएगा। यानी यहां लिखेंगे नेटवर्थ इफ पीएल इज नेगेटिव, बाय रुपीज 375 करोड़। अगर पीएल 375 करोड़ नेगेटिव है तो आपका सिर्फ ये वाला फिगर माइनस हो जाएगा, मतलब आपके पास में आ जाएगा 160 प्लस 200 प्लस 150, 160 प्लस 200 प्लस 150 माइनस 375 माइनस 80, ये नेटवर्थ आपका बन जाता है। कैलकुलेटर लगा लेंगे एक बार, ये वाला नेटवर्थ आपका बन जाता है अपने पास में 55 करोड़। ये बन गया 55 करोड़। अब अगर ये 55 करोड़ बन गया दोस्त, तो ऐसे सिचुएशन में सवाल ये उठेगा कि क्या इसके ऊपर नेटवर्थ की वजह से इंडेक्स एप्लीकेबल होगा? तो आंसर है नहीं। नेटवर्थ तो इसका 250 करोड़ से भी कम हो गया, तो नेटवर्थ की वजह से तो इसके ऊपर इंडेक्स एप्लीकेबल होगा ही नहीं। तो अब सवाल है, क्या ये कंपनी लिस्टेड है? क्वेश्चन कह रहा है व्हेन शुड ये अप्लाई, अगर ये लिस्टेड है तो कब अप्लाई करेंगे, और अगर वो अनलिस्टेड हो तो कब अप्लाई करेंगे। तो यहां लिखेंगे इफ कंपनी ए इज लिस्टेड देन इंडेक्स एप्लीकेबल फ्रॉम 1 अप्रैल 2017, क्योंकि 1 अप्रैल 2017 से 31 मार्च 2017 से कोई लिस्टेड और अनलिस्टेड वाला कॉन्सेप्ट खत्म हो जाता है। वहां पे कहते हैं अगर लिस्टेड है तो आपके ऊपर एप्लीकेबल हो जाएगा, फिर नेटवर्थ की कोई जरूरत नहीं है, और अगर लिस्टेड नहीं है तब ऐसे केस में आपको नेटवर्थ चेक करना पड़ेगा। तो अगर ये कंपनी लिस्टेड होगी तो 1 अप्रैल 2017 से इसके ऊपर इंडेक्स एप्लीकेबल हो जाएगा, भले ही इसकी नेटवर्थ 55 करोड़ क्यों ना हो। However, if company A is unlisted, then Ind AS not applicable. However, वॉलेंट्री ऑप्शन अवेलेबल,
वॉलेंट्री ऑप्शन तो अवेलेबल है, नॉर्मली इन डेज एप्लीकेबल नहीं होगा, ये बात आप जानते हैं। आप चाहें तो जो आंसर मैंने लिख के दिया वो भी फॉलो कर सकते हैं, चाहे तो ये भी आंसर फॉलो कर सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। क्वेश्चन नंबर 3, द नेटवर्थ ऑफ कंपनी बी अनलिस्टेड है 600 करोड़ ऑन 31 मार्च 2014, हाउ बर ड्यू टू लॉसेज इन 14-15 नेटवर्थ ही 400 करोड़ ऑन 31 मार्च 2015, फ्रॉम व्हेन बी सेल अप्लाई। देखिए जब नेटवर्थ चेक करने की बात आती है तो मैंने बोला था कि 31 मार्च 2014 को हो जाए, 31 मार्च 2015 को हो जाए, 31 मार्च 2016 को हो जाए, किसी भी डेट को अगर नेटवर्थ एक्सीड कर गई 500 करोड़ से तो 1 अप्रैल 2016 से इंडेक्स एप्लीकेबल हो जाएगा। अब ये कह रहा है कि 31 मार्च 2014 को तो था लेकिन 15 को घट गया, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, 14 को फुलफिल हो गया क्राइटेरिया, नेटवर्थ एप्लीकेबल हो जाएगा। तो यहां पे लिखना क्या है वो देखिए, इफ नेटवर्थ एक्सीड्स रुपीज 500 करोड़ आइदर 31 मार्च 2014 और 31 मार्च 2015 और 31 मार्च 2016, इंडेस सेल बी एप्लीकेबल फ्रॉम 1 अप्रैल 2016। किसी भी पिछले 3 डेट में एक डेट पे अगर एक्सीड कर जाए तो आप 1 अप्रैल 2016 से इंडेस अप्लाई करा देंगे। अकॉर्डिंगली अकॉर्डिंगली कंपनी का नाम है बी, अकॉर्डिंगली कंपनी बी सेल फॉलो इन डेज फ्रॉम 1 अप्रैल 2016, अकॉर्डिंगली कंपनी बी सेल फॉलो इन डेज फ्रॉम 1 अप्रैल 2016, इवन दो नेटवर्थ इज 400 करोड़ ऑन 31 मार्च 2015, बिकॉज नेटवर्थ ऑन 31 मार्च 2014 इज 600 करोड़। ये छोटा सा आंसर है, आप इतना आंसर लिखते हैं तो आप निश्चिंत रहिए, आपको पूरे नंबर मिलेंगे, कोई डरने और घबराने की बात नहीं। क्वेश्चन नंबर फोर, ये बहुत सिंपल क्वेश्चन है, मैं दो दो लाइन में इसलिए लिखा रहा हूं ताकि आप लिखने से एक तो क्या होता है क्लैरिटी बढ़ती है, प्रैक्टिस बढ़ती है, और फिर मैंने ये भी बोला है कि जितने भी क्वेश्चंस होंगे वो क्वेश्चन हम कोशिश करेंगे क्लास में ही सॉल्व करने का, कोई होमवर्क ना रहे, आपको घर पे जाके सिर्फ रीडिंग लगानी है या फिर आप अपने आप चाहें तो एक दो क्वेश्चन का आंसर ड्राफ्ट करके देख सकते हैं ताकि आपकी नॉलेज बढ़ेगी। क्वेश्चन नंबर 4, द नेटवर्थ ऑफ कंपनी सी एन अनलिस्टेड कंपनी वाज 400 करोड़ 31 मार्च 2014, हाउ ओवर द नेटवर्थ 600 करोड़ 31 मार्च 2015, तो यहां पे एप्लीकेबल कब से होगा, सेम क्वेश्चन है, 2014 हो या 2016 हो, कभी भी अगर नेटवर्थ 500 करोड़ से एक्सीड कर गया तो आपको 1 अप्रैल 2016 से अप्लाई करना है। अब उस इस क्वेश्चन का आंसर वही होगा जो क्वेश्चन का आंसर ऊपर है, इसलिए इसमें कुछ मुझे अलग से बताने की जरूरत नहीं है।
तो यहां पे ऐसे सिचुएशन में इसके आंसर की जरूरत नहीं है, ये आप खुद ही देख लेंगे। मैं अगले क्वेश्चन पे चल रहा हूं, सेम ही का आंसर होगा, बस इसमें लिख देंगे नेटवर्थ 31 मार्च 15 को एक्सीड कर रहा है तब भी 1 अप्रैल 16 से अप्लाई हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5, कंपनी डी इज द पेरेंट कंपनी ऑफ ए ग्रुप, कंपनी ए इज अनलिस्टेड कंपनी हैविंग नेटवर्थ 60 करोड़ ऑन 31 मार्च 14, फॉलोइंग आर द अदर कंपनीज इन द ग्रुप, कंपनी बी अनलिस्टेड है ए की सब्सिडियरी और सी अनलिस्टेड है वो भी बी की सब्सिडियरी है, इस ग्रुप के अंदर सब अनलिस्टेड है, कोई भी लिस्टेड नहीं है। तो अगर मैं देखूं तो ये डी कंपनी है, डी कंपनी ये पेरेंट है, इसकी एक सब्सिडियरी कंपनी है ए, ए की सब्सिडियरी है बी, बी की सब्सिडियरी है सी, अगर मैं नेटवर्थ देखूं ये सारे सब्सिडियरीज हैं, अगर मैं नेटवर्थ देखूं तो कंपनी ए की नेम ऑफ कंपनी है बी, कंपनी बी अनलिस्टेड है, रिलेशनशिप इसका ए के साथ है सब्सिडियरी का, और इसकी नेटवर्थ है 600 करोड़, मतलब बी की नेटवर्थ है 600 करोड़। अगर आप चेक करेंगे ए की नेटवर्थ वह है 60 करोड़, और अगर आप चेक करेंगे सी की नेटवर्थ तो वह है 150 करोड़। अगर सिर्फ नेटवर्थ क्राइटेरिया के बेसिस पे देखें तो इंडेस यहां अप्लाई हो रहा है, इन दोनों के ऊपर इंडेस नेटवर्थ के बेसिस पे अप्लाई नहीं होगा, लेकिन ए होल्डिंग है बी की और सी बी की सब्सिडियरी है, और कंपनी इंडेस रूल के हिसाब से होल्डिंग सब्सिडियरी एसोसिएट ज्वाइंट वेंचर सब पे इंडेस आ जाता है, इसलिए यहां पे इंडेस लग जाएगा एपीबी और सी पे भी। क्वेश्चन कह रहा है कि बताओ क्या इंडेस एबीसी सब पे लगेगा, द आंसर इज यस, सब के ऊपर इंडेस अप्लाई हो जाएगा। अब इसको दो लाइन में कैसे समराइज करेंगे, लिखें एज पर कंपनी इंडेस रूल 2015, इफ इंडेस अप्लाइज ऑन सब्सिडियरी कंपनी देन इंड एस सेल बी अप्लाइड फॉर एंटायर ग्रुप ऑफ होल्डिंग सब्सिडियरी एसोसिएट्स एंड ज्वाइंट वेंचर्स। accordingly in this situation Ind AS applicable for A B and C, तीनों के ऊपर इंडेस एप्लीकेबल होगा, कोई आपको छूट नहीं मिलेगी, क्योंकि ग्रुप के ऊपर एक पर एप्लीकेबल हो गया तो सब पे एप्लीकेशन की बात है। अब चलते हैं दोस्त नेक्स्ट क्वेश्चन पे,
अगला क्वेश्चन पे देखिए, इसमें स्ट्रक्चर बना हुआ है, आपको ऐसे ही समझ आ जाएगा। कह रहे फॉलोइंग इज द स्ट्रक्चर ऑफ डी लिमिटेड, इसके पास एक सब्सिडरी ई है, एक एच है, और ई की एक सब्सिडरी एफ है और एसोसिएट ई है, और एच की सब्सिडरी आई है। कह रहे सारी कंपनियां इसमें अनलिस्टेड हैं, ई की नेटवर्थ 300 करोड़ है, इसकी नेटवर्थ है 300 करोड़, एंड नेटवर्थ ऑफ ऑल अदर कंपनी बाकी सबकी 250 करोड़ से कम है। तो कह रहा है किस पे एप्लीकेबल होगा, तो वैसे तो देखो ग्रुप में एक कंपनी पे इंडेस एप्लीकेबल हो गया, तो जनरल प्रोविजन के हिसाब से सबके ऊपर इंडेस एप्लीकेबल होगा, लॉ तो यही कहता है, लेकिन इंस्टीट्यूट ने जो बना रखे इंडेस ट्रांजिशन फैसिलिटेशन ग्रुप, उन्होंने बाल की खाल निकाल दी। अब यह चीज आपको लिखना तो एग्जाम में पड़ेगा, अगर एग्जाम में पूछा जाता है। उन्होंने क्या कह दिया दोस्त, उन्होंने कह दिया कि ये जो सब्सिडी है, ये सब्सिडी और इसकी सब्सिडी वो ई की फेलो सब्सिडी है, क्योंकि अल्टीमेट पेरेंट डी है, और लॉ में लिखा है सब्सिडी एसोसिएट और ज्वाइंट वेंचर, इसलिए फेलो सब्सिडी मैंडेटरी कवर्ड नहीं है। वैसे ये बाल की खाल निकालने वाली बात है, इसमें कोई सच्चाई नहीं है, बट एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से तो इनका आंसर आपको लिख के आना पड़ेगा, क्योंकि इंड एस ट्रांजिशन फैसिलिटेशन ग्रुप का जो सर्कुलर से नोटिफिकेशन है वो आपके ऊपर अप्लाई होता है, इंडस्ट्री के ऊपर अप्लाई नहीं होता, और लॉजिकली, और ये इनकरेक्ट है, लॉजिकली ऐसा होना नहीं चाहिए, बट इन्होंने कहा है तो हम ट्रीटमेंट वैसे ही लिखेंगे। इन्होंने क्या कहा है मैं दो चार लाइन में आपको आंसर लिखवा रहा हूं। इन्होंने जो मेन बातें कही हैं वो कहते एज पर कंपनी इंडेस रूल इन केस ऑफ ग्रुप कंपनीज इफ इंड एस एप्लीकेबल टू वन कंपनी देन एंटायर ग्रुप ऑफ पेरेंट सब्सिडियरी एसोसिएट्स एंड ज्वाइंट वेंचर सेल फॉलो इंडेस। उन्होंने कहा यह बात लिखी है, बात तो यही लिखी है, आपने भी फरा है। हाउएवर सब्सिडियरी डज नॉट इंक्लूड फेलो सब्सिडियरी। ये कह रहे हैं कि यहां पे सब्सिडरी वर्ड लिखा है, फेलो सब्सिडरी वर्ड नहीं लिखा, इसलिए हम मान के चलते हैं कि फेलो सब्सिडरी यहां पे शामिल नहीं है। वैसे ये बात लॉजिकली करेक्ट नहीं है, लेकिन आईटीजीएफ का जो ओपिनियन है वो हमें एग्जाम में फॉलो करना है। अकॉर्डिंगली कंपनी डी सब्सिडी ई सब्सिडी एफ यानी पेरेंट डी सब्सिडियरी ई सब्सिडियरी एफ एंड एसोसिएट ई यही नाम है डी एफ एफ डी ई एफ ई सेल फॉलो इंडेस फ्रॉम
1 अप्रैल 2017, क्योंकि 250 करोड़ वाले क्राइटेरिया में आएगा ये। हाउएवर सब्सिडियरी एच एंड आई इज नॉट सब्सिडियरी एच एंड आई नॉट रिक्वायर्ड टू फॉलो इंड एस। आईटीएफजी कहता है कि इसको मैंडेटरी नहीं है फॉलो करना, लेकिन चूंकि पेरेंट कंपनी डी बनाएगी सीएफएस एज पर इंडेस, इसलिए इनको इंफॉर्मेशन एज पर इंडेस तो देना पड़ेगा। हाउएवर या सिंस लिखिए, सिंस अल्टीमेट पेरेंट डी इज रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर सीएफएस एज पर इंड एस, हेंस एच एंड आई मस्ट प्रोवाइड इंफॉर्मेशन यूजिंग इंड एस। कह रहे हैं आप एस फॉलो तो कर सकते हो, बट चूंकि आप सब्सिडियरी हो आपको देना ही पड़ेगा इंफॉर्मेशन, तो आपको इंड एस के हिसाब से भी इंफॉर्मेशन देनी पड़ेगी। इसलिए कहते हैं ऑल दो सब्सिडियरी एच एंड आई आर नॉट रिक्वायर्ड टू फॉलो इंड एस मैंडेट इंड एस ऑन मैंडेटरी बेसिस, बट इट इज बेटर टू फॉलो इंड एस वॉलेंट्रीली सो दैट इंफॉर्मेशन अंडर इंड एस विल बी मेड अवेलेबल फॉर सीएफएस पर्पस। आप सीएफएस के लिए इंड एस पे इंफॉर्मेशन अवेलेबल करा देंगे, इसलिए बेटर है कि आप इंड एस फॉलो कर लें। अब आईटीएफजी ने जो ओपिनियन दिया था वो मैंने आपको नोट करा दिया। अगर ये क्वेश्चन एग्जाम में आता है तो आपको यही आंसर लिखना है, बट अगर प्रैक्टिकली या इंडस्ट्री में कोई आपसे सवाल पूछे तो आपको ये सब बताने की जरूरत नहीं है, एक ही बार बोलेंगे, पूरे ग्रुप पे एप्लीकेबल हो जाएगा, क्योंकि जो इंड एस रूल है उसका अल्टीमेट मतलब यही है। इसलिए उन्होंने सब्सिडियरी एसोसिएट ज्वाइंट वेंचर बोला। अब आप वो फेलो सब्सिडियरी नहीं बोला तो आप बोलेंगे फेलो सब्सिडियरी वर्ड नहीं लिखा इसलिए अप्लाई नहीं करेंगे, तो ये तो तर्क से ज्यादा कुतर्क लगता है, बट स्टिल इंस्टीट्यूट जो कहेगा वो तो मानना पड़ेगा, तो वो मैंने आपको आंसर लिखवा दी। ये आंसर 6 था, मुझे लग रहा है मैंने 5 लिख दिया है, ये 6 नंबर था आंसर, इसको 6 नंबर कर लीजिए। अब आगे बढ़ जाते हैं, क्वेश्चन के आंसर्स लिखना बहुत जरूरी है दोस्त।
एबीसी इनकॉरपोरेटेड इन ए फॉरेन कंट्री हैज नेटवर्थ 700 करोड़, इट हैज टू सब्सिडरी कंपनी हुज नेटवर्थ इज 600 करोड़ एंड 150 करोड़। अब ध्यान से देखने वाली बात क्या है, इस क्वेश्चन में क्या कहते हैं, देखिए आपको देखते ही समझ आ जाएगा। इसका मैं आंसर कंप्लीट नहीं लिखाऊंगा, ये समझ आ जाएगा आपको देखते ही। एक कंपनी है फॉरेन कंपनी, अब फॉरेन कंपनी के ऊपर तो इंड एस लगता नहीं क्योंकि इंडियन कंपनी एक्ट में वो इनकॉर्पोरेटेड नहीं है, वो इंडियन कंपनी एक्ट में इनकॉर्पोरेटेड नहीं है इसलिए इसके ऊपर इंड एस नहीं लगेगा। बट इसकी दो अलग अलग कंपनियां हैं, एक कंपनी है इनकी दो सब्सिडरी कंपनी है, एक कंपनी है एक्स और दूसरी कंपनी है वाई। तो यहां पे देखिए अपने पास में एक कंपनी सब्सिडरी एक्स है और दूसरी कंपनी वाई है, ये दोनों इंडिया में है। अब सवाल ये आया कि चूंकि ये फॉरेन कंपनी है ये कंपनी एक्ट में इनकॉर्पोरेटेड है ही नहीं, ये इंडियन कंपनी एक्ट में इनकॉर्पोरेटेड नहीं है तो इसके ऊपर तो इंड एस लगेगा ही नहीं, इंड एस नॉट एप्लीकेबल। अब अगर इसके ऊपर इंड एस एप्लीकेबल नहीं होगा तो इसकी नेटवर्थ क्राइटेरिया हमारे लिए रेलेवेंट नहीं है, चूंकि फॉरेन कंपनी होल्डिंग है उसके ऊपर इंड एस एप्लीकेबल ही नहीं है। एक सब्सिडी ये है और एक सब्सिडी ये है। अब जब दो ये अलग अलग सब्सिडी है तो इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है वो देखिए, यहां पे इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि अगर इसकी नेटवर्थ बढ़ेगी तो इसके ऊपर एप्लीकेबल होगा, जिसकी नेटवर्थ नहीं बढ़ेगी उसके ऊपर एप्लीकेबल नहीं होगा। तो इसकी नेटवर्थ है 600 करोड़ और इसकी नेटवर्थ है 150 करोड़। अगर फॉरेन कंपनी चूंकि इसकी नेटवर्थ थी 700 करोड़, अगर इसके ऊपर इंडेस लगता तो इन दोनों पे ऑटोमेटिक लग जाता, लेकिन ये तो फॉरेन कंपनी है इसलिए इसके ऊपर इंडेस लगेगा नहीं। अब अगर इसके ऊपर इंडेस नहीं लगेगा तो इन दोनों के ऊपर इंडिविजुअल बेसिस पे लगेगा, मतलब इनकी अपनी नेटवर्थ क्राइटेरिया अगर आगे बढ़ेगी तो लगेगा, अदरवाइज नहीं लगेगा। लिख ही देता हूं मैं इसको भी, सिंस फॉरेन कंपनी इज नॉट इनकॉर्पोरेटेड अंडर इंडियन कंपनीज एक्ट, हैंस इंडेस नॉट एप्लीकेबल। इसका नेटवर्थ इंपॉर्टेंट ही नहीं है, कंपनी एक्ट में है ही नहीं इसलिए आउट हो गया। अकॉर्डिंगली इंडियन सब्सिडरी शैल अप्लाई इंडेस एज पर इंडिविजुअल नेटवर्थ क्राइटेरिया, इंडिविजुअल नेटवर्थ क्राइटेरिया के हिसाब से उसको चेक करना पड़ेगा। नेटवर्थ ऑफ कंपनी एक्स इज 600 करोड़, हैंस इंड एस एप्लीकेबल फ्रॉम 1 अप्रैल 2016। हाउ एवर
नेटवर्थ ऑफ, नेटवर्थ ऑफ कंपनी वाई इज रुपीज 150 crores, हेंस इंड एज नॉट एप्लीकेबल ऑन मैंडेटरी बेसिस। बट वॉलेंटेरी ऑप्शन अवेलेबल, मैंडेटरी तो आपके ऊपर एप्लीकेबल नहीं है बट वॉलेंटरी ऑप्शन अवेलेबल है, आप चाहो तो वॉलेंटरीली अप्लाई कर सकते हो, कोई दिक्कत की बात नहीं। तो यहां पे केस ये था कि चूंकि फॉरेन कंपनी है इसलिए फॉरेन कंपनी पे तो ये नियम लगेगा नहीं, ये कंपनी है फॉरेन इसलिए फॉरेन पे तो ये नियम लगेगा नहीं। तो अब सब्सिडियरी का आपको इंडिविजुअल स्टेटस चेक करना पड़ेगा, सब्सिडियरी का पेरेंट की वजह से इंडेस पे एप्लीकेशन नहीं होगा। तो ये बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था, आपने नोट कर लिया है। अब मैं आगे चलता हूं, एक दो क्वेश्चन और भी है, इसके सारे क्वेश्चन आज करा ही देंगे, क्लास थोड़ा लंबा है फिर भी ये करवा ही देते हैं क्योंकि अब फिर इसके बाद हम अगले टॉपिक पे चले आएंगे। कह रहे एज पर द रोड मैप इंडेस इज एप्लीकेबल टू कंपनी एक्स फ्रॉम फाइनेंशियल ईयर 17-18। कंपनी एक्स इज नॉन फाइनेंशियल कंपनी, आप जानते हैं कि जो नॉन फाइनेंशियल कंपनी है कंपनी एक्ट में रजिस्टर्ड उसके ऊपर इंडेस लग रहा है 1 अप्रैल 2016 से ही या 1/15 से वॉलेंटरीली बेसिस पे, लेकिन जो एनबीएफसी है उसके ऊपर लग रहा है 2018 से। तो कंपनी वाइज अनलिस्टेड एनबीएफसी कंपनी हैविंग नेटवर्थ 400 करोड़, कह रहा है व्हाट विल बी द डेट ऑफ एप्लीकेबिलिटी ऑफ इंड एस ऑन एक्स एंड वाई इफ इंड एस एप्लीकेबिलिटी डेट फॉर पेरेंट एनबीएफसी इज डिफरेंट फ्रॉम एप्लीकेबिलिटी डेट ऑफ कॉर्पोरेट सब्सिडी, देन हाउ विल द कंसोलिडेटेड स्टेटमेंट बी प्रिपेयर्ड। तो ये बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, इसको भी समझ लीजिए। क्वेश्चन नंबर 8, अब ये देखिए, ये हमारे पास में कंपनी एक्स और एक है हमारे पास में एनबीएफसी वाई। एनबीएफसी वाई की नेटवर्थ है 400 करोड़ और सब्सिडी पे इंडेस एप्लीकेबल है 2017-2018। तो देखना, पहली बात तो ये कंपनी जो है ये फाइनेंसिंग कंपनी नहीं है इसलिए इसके ऊपर इंडेस तो लग रहा है, लेकिन इसके ऊपर नहीं लगेगा भले ही इसकी सब्सिडी हो क्योंकि एनबीएफसी है। एनबीएफसी का इंक्लूजन जो हुआ है वो 1 अप्रैल 2018 से हुआ, उससे पहले एनबीएफसी को एग्जम्प्ट कर रखा था, मतलब कोई इंश्योरेंस कंपनी, कोई बैंकिंग कंपनी, कोई एनबीएफसी था तो वो जो फर्स्ट वाला रूल आया था उससे एग्जम्प्ट कर रखा था। इसलिए एक्स पे अगर इंडेस लग भी रहा है तब भी वाई पे एनबीएफसी है उसके ऊपर अभी फिलहाल इंडेस नहीं लगेगा। इसके ऊपर इंडेस लगेगा रोडमैप 2 में जिसमें 1 अप्रैल 2019 से लगेगा क्योंकि इसकी नेटवर्थ 500 करोड़ से ज्यादा नहीं है। अगर 500 करोड़ से ज्यादा होती तो 1 अप्रैल 2018 से लग जाता, यहां पे लगेगा 1 अप्रैल 2019 से, ये आपको ध्यान रखना है। तो यहां पे पहली बात तो ये है कंपनी एक्स इज फॉलोइंग इंडेस फ्रॉम 1 अप्रैल 2018 बट एनबीएफसी वाई सेल फॉलो इंडेस
ओनली फ्रॉम ओनली फ्रॉम 1 अप्रैल 2019। जब क्वेश्चन के आंसर लिख रहे हो तो थोड़ा पीसफुल रहना चाहिए, भागम भाग दौड़ भाग, क्योंकि बहुत आजकल क्या है ना, फास्ट फास्ट फास्ट, उसके चक्कर में हम लिख ही नहीं पाते आंसर ठीक से। तो आंसर लिखते समय आप आराम से लिखेंगे, क्या लिख रहे हैं वो समझ के लिखेंगे। 1 अप्रैल 19, रूल ऑफ सब्सिडियरी एप्लीकेशन रूल ऑफ सब्सिडियरी एप्लीकेशन ऑफ इंड एस नॉट रेलेवेंट इन दिस केस बिकॉज एक्स इज नॉन फाइनेंशियल कंपनी एंड कंपनी वाइज फाइनेंशियल कंपनी। कंपनी का नेचर अलग है इसलिए आप नहीं लगा सकते। अब मन में यहां पे एक क्वेश्चन आता है और वो क्वेश्चन क्या कहता है कि एक्स बनाएगी इंडेस के हिसाब से, वाई बनाएगी एस के हिसाब से, जब तक उसके ऊपर इंडेस एप्लीकेबल नहीं हुआ। अब वाई होल्डिंग कंपनी है तो उसको सीएफएस भी बनाना है, तो अगर वाई को सीएफएस बनाना है तो फिर वो एक्स का इंफॉर्मेशन कैसे कंसोलिडेट करेगी। तो यहां पे सिंपल है, कंपनी एक्स सेल प्रोवाइड इंफॉर्मेशन एज पर एस इंफॉर्मेशन एज पर एस टू एनबीएफसी वाई फॉर प्रिपेयरिंग सीएफएस टिल इंड एस नॉट फॉलोड बाय एनबीएफसी वाई। अगर एनबीएफसी वाई ने इंड एस फॉलो नहीं किया जब तक, तब तक आप उसको एस के हिसाब से इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कराते रहिए। तो ये एप्लीकेशन भी आपको समझ आ गया। और अब एक और क्वेश्चन है बस जिसका आंसर लिखाना है, बाकी दो क्वेश्चन तो सिंपल है, सिर्फ रीडिंग लगा देंगे काम चल जाएगा। फ्रेश वेजिटेबल लिमिटेड FBL वाज इनकॉर्पोरेटेड ऑन 2 अप्रैल 2011 अंडर प्रोविजन ऑफ द कंपनी एक्ट 13 टू कैरी आउट द होलसेल ट्रेडिंग बिजनेस इन वेजिटेबल्स। एज पर द ऑडिटेड अकाउंट ऑफ द फाइनेंशियल 31 मार्च 2017 अप्रूव्ड इन द एनुअल जनरल मीटिंग नेटवर्थ फॉर द फर्स्ट टाइम इज एक्सीड 250 करोड़। मतलब FBL का नेटवर्थ 31 मार्च 2017 को 250 करोड़ के पार कर गया। कंपनी है FBL, इसका नेटवर्थ 31 मार्च 17 को 250 करोड़ से प्लस हो गया। तो आप बोलेंगे सर बहुत सिंपल है, इंड एस लगा दो 1 अप्रैल 17 से, वो तो ठीक ही है, उसमें तो कोई दिक्कत है ही नहीं। देखते क्वेश्चन और आगे क्या कहता है। द फाइनेंशियल स्टेटमेंट सिंस इंसेप्शन टिल 31 मार्च 16 वर प्रिपेयर्ड एज पर एस। तो भाई अभी तक नेटवर्थ एक्सीड ही नहीं किया था तो एस के हिसाब से ही बनेगा। इट हैज बीन एडवाइज दैट हेंस फोर्थ इट शुड बी प्रिपेयर्ड इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट इन अकॉर्डेंस विद कंपनीज इन डेज रूल 2015। द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन इज प्रोवाइडेड बाई द कंपनी।
कंपनी एफबीएल हैज फाइनेंशियल ईयर 2012-13 एंटर इनटू 60-40 पार्टनरशिप विद लॉजिस्टिक लिमिटेड एंड इनकॉर्पोरेटेड ए पार्टनरशिप फर्म VLA टू कैरी आउट द लॉजिस्टिक बिजनेस ऑफ वेजिटेबल फ्रॉम द मार्केट। आपने एक पार्टनरशिप फर्म बनाया, और ये पार्टनरशिप का नाम है VLA। ये पार्टनरशिप फर्म है VLA। अब देखिए, दूसरा FBL आज ऑल्सो एन एसोसिएट कंपनी सोशल वेलफेयर दैट वाज इनकॉर्पोरेटेड इन जुलाई 2005 ए चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशन एंड रजिस्टर्ड अंडर सेक्शन 8। मैं आपको पहले ही बता चुका हूं कि आप सेक्शन 8 कंपनी भी हैं और आपका नेटवर्थ क्राइटेरिया फुलफिल होगा तो आपको लगाना पड़ेगा। सोशल वेलफेयर हैज बीन द एसोसिएट सिंस इट्स इनकॉर्पोरेशन, मतलब SWL सेक्शन 8 कंपनी है और ये आपकी एसोसिएट है। अगर मैं इसको एनालाइज कर दूंगा तो बहुत ही सिंपल कंक्लूजन ड्रॉ हो जाएगा। ध्यान दीजिए, पार्टनरशिप है VLA, ये है एसोसिएट, तो इसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं है। चूंकि होल्डिंग पे एप्लीकेबल है तो इसके ऊपर तो इंडेस लगेगा ही लगेगा, यहां कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन पार्टनरशिप जो VLA है, इंडेस 111 के हिसाब से हमें क्लासिफाई करना पड़ेगा, क्योंकि इंडेस 11 कहता है ये ज्वाइंट ऑपरेशन भी हो सकते हैं और ये ज्वाइंट वेंचर भी हो सकते हैं। ये ज्वाइंट ऑपरेशन भी हो सकते हैं और ज्वाइंट वेंचर भी हो सकते हैं। अगर ये ज्वाइंट वेंचर है या ज्वाइंट ऑपरेशन है तब तो बात अलग है। ज्वाइंट ऑपरेशन क्या होता है और ज्वाइंट वेंचर क्या होता है, डिटेल तो आप इंडेक्स 111 में समझेंगे, लेकिन सिंपल समझ लीजिए। ज्वाइंट वेंचर तब होगा जब सेपरेट कंपनी हो, यानी सेपरेट सेटअप हो, सेपरेट एंटिटी। जैसे यहां पार्टनरशिप बनाया तो सेपरेट एंटिटी है, प्लस एसेट्स एंड लाइबिलिटी, एसेट्स एंड लाइबिलिटी इन एंटिटी नेम, मतलब किसी पार्टनरशिप के नाम में नहीं होगा, प्लस एंटिटी हैज ओन बिजनेस, एंटिटी का अपना बिजनेस हो, इनपुट आउटपुट स्टेटस ना हो। अगर ये तीन चीजें सेटिस्फाइड होती हैं तो ज्वाइंट वेंचर बोलते हैं, अदरवाइज ज्वाइंट ऑपरेशन बोलते हैं। रिमेनिंग केसेस, अब हमारे क्वेश्चन में ये तो दे रखा है कि ये सेपरेट एंटिटी है, पार्टनरशिप फर्म है, बट ये नहीं बताया कि एसेट्स लाइबिलिटी उसके नाम है या नहीं है, उनका अपना बिजनेस है या नहीं है। तो हमें आंसर दो बार लिखना पड़ेगा। एक बार लिखना पड़ेगा अगर वो ज्वाइंट ऑपरेशन क्लासिफाई हुआ इंडेस 111 में, तब उसके ऊपर एप्लीकेबल नहीं होगा, क्योंकि स्टैंडर्ड में जो रूल है उसमें लिखा है एसोसिएट ज्वाइंट वेंचर, ज्वाइंट ऑपरेशन नहीं लिखा। लेकिन अगर वो ज्वाइंट वेंचर क्लासिफाई होता है तो उसके ऊपर इंडेस एप्लीकेबल होगा। तो इसका आंसर कैसे लिखेंगे, बहुत सिंपल है, लिखवा देता हूं मैं। एज पर कंपनी इंडेस रूल 2015, इफ इंडेस एप्लीकेबल ऑन वन कंपनी देन इंडेस शैल अप्लाई ऑन एंटायर ग्रुप ऑफ पेरेंट सब्सिडियरी
एसोसिएट्स एंड ज्वाइंट वेंचर। ये तो जो इंड एस में लिखा था वो लिख दिया हमने, अब लिखेंगे एप्लीकेशन ऑन वीएलए। एप्लीकेशन ऑन वीएलए इफ वीएलए इज क्लासिफाइड एज ज्वाइंट ऑपरेशन अंडर इंड एस 111 देन इंड एस नॉट अप्लाइड। अगर इसको आप क्लासिफाई कर देते हैं ज्वाइंट ऑपरेशन तो नहीं लगेगा, हाउएवर इफ वीएलए इज क्लासिफाइड एज ज्वाइंट वेंचर अंडर इंड एस 111 देन इंड एस अप्लाइड, फिर इंड एस अप्लाई करेंगे। एप्लीकेशन ऑन SWL, एप्लीकेशन ऑन SWL सिंस SWL इज एसोसिएट हेंस इंड एस एप्लीकेबल। ये सिर्फ एक एसोसिएट है इसलिए इसके ऊपर इंड एस एप्लीकेबल है, अगर ये एसोसिएट ना होता तो इसके ऊपर इंड एस एप्लीकेबल ना होता। यहां कोई झंझट नहीं है, वहां पे तो पता नहीं था ज्वाइंट वेंचर है ज्वाइंट ऑपरेशन, इसलिए अदरवाइज यहां कोई दिक्कत नहीं। और इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप सेक्शन 8 में हैं या कहीं भी हैं। यहां देखेंगे इज द एसोसिएट कंपनी अकॉर्डिंगली इंड एस विल बी एप्लीकेबल ऑन एसडब्ल्यूएफ इरिस्पेक्टिव दैट एस यू चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशन है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। इन डेज को चैरिटेबल एडिटेबल से फर्क नहीं पड़ता। आपको अगर इंस्टीट्यूट के आंसर पढ़ना हो तो उसको भी पढ़ सकते हैं। अभी एक एमटीपी में क्वेश्चन आया था विच एंटिटी आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर देयर फाइनेंशियल स्टेटमेंट मैंडेटली ऑन द बेसिस ऑफ इन डेज। तो जितनी भी कॉरपोरेट एंटिटी लिस्टेड है उनको बनाना ही है। आज के समय की बात करें तो अनलिस्टेड है तो 250 करोड़ या उससे ज्यादा हो, होल्डिंग सब्सिडरी एसोसिएट ज्वाइंट वेंचर आ ही जाएगा। एनबीएफसी लिस्टेड है तो वो भी आज के डेट में 250 करोड़ अगर नेटवर्थ है एनबीएफसी की तब भी, और म्यूचुअल फंड स्कीम पे। और इस बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा था लिस्ट आउट द एंटिटीज विच वेयर कवर्ड अंडर फेज 1 एंड 2 ऑफ द कंपनी इंडियस रूल, तो वो मैंने यहाँ पे बता दिया, वो आप पहले से जानते ही हैं, बट आंसर मैंने दे दिया। मैंने पहले ही बताया था आपको इंट्रोडक्शन में कि हम हर चैप्टर के साथ पास्ट एग्जाम के पेपर्स रखते हैं। इंड एस पहली बार एग्जाम में आना शुरू हुआ 2018 से, तो मई 2018 से जितने क्वेश्चन आए हैं वो सब हम पास्ट पेपर बना कर रखते हैं। वो क्वेश्चन कोई नॉर्मली नया होता है ऐसा नहीं है, कभी कभार कोई नया क्वेश्चन दिख जाए तो दिख जाए, जैसे होल्डिंग कंपनी में पिछले 2 अटेम्प्ट से नए नए क्वेश्चन डाल रहे हो, नॉर्मली नया क्वेश्चन नहीं होता, कभी कभी रेवेन्यू में डाला है, रेपिटेटिव भी होता है। बट मैंने इसको इसलिए डाला ताकि एक चीज आपको ये समझ आए कि इस चैप्टर से कितने क्वेश्चन आए और कब कब आए, इसकी फ्रीक्वेंसी क्या है, किस टाइप के क्वेश्चन आए, ये सब समझने में आपकी मदद करेगा, इसलिए मैंने स्कैनर के अलग से हेड बना दिए हैं। आप बोलेंगे आपने तो बोला 2018 से और यहाँ पे डाले एक 2024 का, ये वाला चैप्टर पुराने कोर्स में पहले था ही नहीं, इसलिए इसके ऊपर पहले कोई क्वेश्चन नहीं आया, न्यूली इंसर्टेड है। इवन दो बताना ये थोड़ा बहुत पहले भी पड़ता था,
बट वो चैप्टर के नाम से नहीं था, इसलिए इसे पहली बार ही क्वेश्चन आना शुरू हुआ है। बाकी चैप्टर में आपको 2018 से ही क्वेश्चन दिखेंगे, जब जब आए होंगे तब तब।